사대야! 에이! 바디칼! अरे शिवा, इन्हें दुकान के अंदर ही रखोगे क्या? आज इन लोगों का धंधा पानी बंद, तो हम दुकान खोल दे क्या? खोल दो। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते वकील साहब। वकील साहब नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं सर? नमस्ते वकील साहब। चल चल आजा, चाय पी ले। लो भाइयों, चाय लेके आया हूँ। मस्त है। एक कप चाय के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। ओ सर, आपने लॉ पास किया है ना? फर्स्ट क्लास से किया है या फिर सेकंड क्लास से किया है या फिर झोल जान से किया है? आजकल तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। अबे घोंचू टपरी की चाय पी रहा हूँ इसीलिए बोल रहा है क्या? अपनी डिग्री दिखाऊंगा ना, एक ग्लास फूट जाएगी। मेरे पास ना केटली है ना माइक्रोवेव है, मैं ऐसे ही गर्म करता हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये ग्रेनेड से सिगरेट जलाएगा। ये क्या जुगाड़ है? अरे ज्यादा गर्म हो गई, फ्रिज नहीं है इसलिए ऐसी ठंडी करूंगा ना। ए भाई, एक मामूली सी चाय के लिए इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? कल को बीवी आएगी तो कितना एक्सपेरिमेंट करोगे? क्यों, तेरी बेटी का रिश्ता लाएगा? मैं अपनी बेटी की नहीं, तेरी बीवी की बात कर रहा हूँ। वकील साहब, मेरे को लगता है तेरी किस्मत ना वकालत में नहीं, चाय बेचने में बहुत है। एक चाय की टपरी डाल दे, बहुत चलेगी। मुझे तो लगता है वो भी नहीं चलेगी। मैं जिस भी चीज में हाथ लगाता हूँ वो 100% डूब जाती है। वकालत पास किया तो मेरे दोस्त ने बताया कि जुहू गली में एक घर है जहाँ एक अच्छे वकील की जरूरत है। मैंने आओ देखा ना ताओ देखा और वहाँ चला गया। वहाँ जाके घंटी बजाई तो पता चला कि दरवाजे की नहीं जिंदगी की घंटी बज गई। उस केस में जीते या हारे? अरे वहाँ केस का नहीं, गैस का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? अरे मोटे मनहूस, कभी तो शुभ शुभ बोला कर। अरे वकील, तू मुद्दे पे रहना। स्टोरी कहाँ पे थी? रिश्वत देके छूटा ना। जिंदगी में पहली बार केस लेने गए और घंटी बजाई, तब से ऐसी पनौती लगी कि बेरोजगार हो गया हूँ। टेंशन मत ले वकील, पीछे मुड़ के तो देख। आ गया ना केस। मैं जानता था एक ना एक दिन मेरे नसीब का पिटारा खुलेगा और आज वो खुल गया। वकील साहब, सिलेंडर का गैस तो आपके बाल की तरह उड़ गया। मेरी जिंदगी के सारे केस गैस बन के उड़ते जा रहे हैं। क्या पप्पू भाई, हमसे खफा क्यों हो रहे हो? आपका आना जाना तो लगा रहता है। आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है दहशत के कम होने से। काट डालूंगा। भाई कमाल हो गया, आप तो सुपर विलन लग रहे हैं। तो जो भी हो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। बंकर, बंकर! आज पप्पू पांडे मौत को तांडव करेगा। दो मिनट के लिए मैं अंदर क्या गया, तुम्हारे पर निकल आए। चल बता कौन था वो, नहीं तो यहीं जमीन में दफन कर दूंगा। चल बता कौन था वो। भाई जी थोड़ा शांत हो जाइए, मैं आपको बताता हूँ। वो कमजोर और बेसहारों का रखवाला है, वो यारों का यार हिम्मत वाला है, इंसानियत का मसीहा गरीबों का दोस्त। नाम है शिवकाशी। कौन है शिवकाशी? बहरा भाई, यही है वो। तो तू है वो मच्छर शिव काशी? हाँ सुन लिया, किसने दिया तुझे ये नाम? माँ बाप ने? तो खुद ही रख लिया क्या? अबे तो किसने रखा ये नाम? जनता ने। जनता? अरे हाट, डरपोक है एक नंबर के। ऐसी जनता को मैं अपने तलवे के नीचे रखता हूँ। वहाँ की बात तू मत कर। ए! चीर डालूंगा। और
आग हूं मैं। शेर की मांग में हाथ डाला है, तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। अरे भाई, कहाँ इस लावारिस के मुंह लगते हो, खत्म कर दो इसको। लावारिस है? हाँ। इसके आगे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं है। तू जानता नहीं मैं शेर हूँ, तुझे बीच से फाड़ के रख दूंगा। पप्पू पांडे कभी रहम नहीं करता, आज तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। जा, अगर ये जिंदा रहा तो तू नहीं बचेगा, जा इसे मार डाल। क्या नाम है तेरा? पप्पू पांडे। पप्पू नहीं, पप्पू पांडे। मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। मगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी घर वाली और बाहर वाली को मिला के कितनी सारी औरतें विधवा हो जाएंगी, इस बात की तुझे जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि शिव काशी से जो भिड़ता है वो तो पक्का मरता है। पांडे की बीवी बोल रही हूँ, आप कौन? तुम्हारा सुहाग अब तक जिंदा है ना? शिव काशी बोल रहा हूँ। कौन है? वही शिव काशी। शिव काशी, दे फोन दे। हेलो, मैं पांडे बोल रहा हूँ। पूरा नाम बोल। पूरा नाम पप्पू पांडे। तो पांडे परिवार के लोग अब तक वहाँ पर जमा तो हो ही गए होंगे, बता कितने लोग आए हैं? चार लोग। तेरे है? क्या लगते है? घर वाली और बाहर वालिया किधर है? धुलाई के बाद वो मुझे छोड़कर चली गई है। ए, अब मेरी बात तू जरा ध्यान से सुन। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए मैं अनाथ हूँ। अगर शिव काशी से आइंदा भिड़ा तो तेरे पीछे भी कोई नहीं बचेगा। देखिए वो वाला दिखाइए, ये वाला। हाँ,
मैम ये वाला, ये एकदम न्यू फैशन है। इडियट। सर आपको लॉटरी लग रही है। एक लड़के ने लड़की को छेड़ा और अब चप्पल से खातिरदारी हो रही है। जल्दी से जाइए और केस को अपने जेब में ले लीजिए। वाला करे, लोग ऐसे ही छेड़ते रहे और केस बनता रहे। थोड़ी सुनो, भागे ना कहाँ? इधर इधर मारूंगी। बात करो बे, बदतमीज। भाई तू कौन है? मैं हटा। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। भाई अब खुश? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया तेरा, या और भी कुछ करना बाकी है? बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को, सारी चर्बी उतारू? ऐसी जगह पे भेजूंगा ना, तेरी सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। चल निकल। इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं कि हर जगह से जिस्म दिखाई दे? हाँ, इसको शॉर्ट्स कहा जाता है। मुझे मत समझा कि क्या है और क्या नहीं है, सिर्फ ये बताओ कि ये जो कपड़े पहन के तुम आई हो, तुम्हें क्या लगा, मार्केट जा रही हो या फिर अमेरिका? ये मेरी मर्जी है। मर्जी के कपड़े अपने घर पे पहन, ये सड़क है समझे? सिर्फ यहाँ वहाँ दिखाने से फैशन नहीं बनता, जगह देख के भी फैशन करना पड़ता है। समझ में आया? खुद को नुमाइश की चीज बना के रख दिया। ऐसे कपड़ों में तो राह चलता कोई भी देख सकता है कि शरीर पे कहाँ कहाँ तिल है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आसपास साधु संत घूम रहे हैं? इतना भी नहीं जानती, छोटी बच्ची हो क्या? देखो लड़का लड़की ऊपर वाले ने बनाए हैं और वो एक दूसरे के लिए ही बने, उनका एक दूसरे से आकर्षित होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ भी हो जाए, गलती हमेशा आदमी की होती है। और आजादी सिर्फ कपड़ों में चाहिए, बाकी चीजों में नहीं। खूबसूरती लानी है तो अपने किरदार में लाओ, अपने बोलचाल में लाओ, पहनावे में नहीं। पूरा शहर तुम्हारे पीछे लग जाएगा अगर तुम इसी तरह के कपड़े पहनकर घूमती रहोगी। कोर्ट में भी ऐसी दलील नहीं सुनी। तो कोर्ट पहनता है, कोर्ट गया तो नहीं? और सुनो, अगली बार तुम कौन से कपड़े कहाँ पहनकर जा रही हो, उस बात का ध्यान रखना। मेरी तुमसे बस यही एक मिनती है, उसके अलावा कुछ नहीं। जय श्री राम। डैड, वो सड़क छाप आदमी इसके साथ बदतमीजी करता रहा और आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। अगर मैं होता तो उसके हाथ पैर तोड़कर सड़क पर भीख मंगवा। बहुत अच्छे, तुम इसे ऐसे पहली बार देख रहे हो। तुम दोनों इसके भाई हो, तुम्हें पता है ये ऐसे ही कपड़े पहनती है, तो फिर आज तक क्यों नहीं टोका इसे? मत भूलो ये तुम्हारी बहन है। अरे तुम्हारा फर्ज है कि इसे समझाओ। आप क्या कह रहे हैं, आजकल का यही फैशन है? आप क्या चाहते हैं कि ओल्ड फैशन कपड़े पहने? अगर ये नए जमाने के साथ चल रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी माँ भी यही सोचती थी, तब अच्छे संस्कार मिलते तो आज ये नौबत नहीं आती। उस लड़के की बातें सही थी, इसलिए मैंने वहां एक शब्द नहीं कहा। दिखने में वो भले ही गरीब हो, लेकिन संस्कारों में हमसे भी अमीर है। और सुनो, अगली बार तुम कौन से कपड़े कहाँ पहनकर जा रही हो, उस बात का ध्यान रखना। मेरी तुमसे बस यही एक मिनती है, उसके अलावा कुछ नहीं। जय श्री राम। जाओ। ए, वो शिव काशी कहाँ रहता है, जल्दी बता। कौन हो तुम? उसका नाम जरा तमीज से लो। क्यों बे, देश का प्रेसिडेंट है, जा जल्दी बुला। अरे जाना भैया, तुम्हारा ये थोड़ा है ना, कोई काम का नहीं है। उधर पतली गली में बहुत बड़ा ट्रक घुस गया। हट तो, वो मेरे साथ चल, चल। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे चल। क्या कर रहा है? चल। आज नारी शक्ति देखने को मिली है। हाँ, ये हुई ना बात। अब इसको कहते हैं परफेक्ट भारतीय नारी। समझ गई। साड़ी और ब्लाउज को कैसे पहना जाता है, यही बात की थी ना तूने मेरी बहन से? बहन से? हाँ, मैं अकेली नहीं, हम जुड़वा हैं, और हम शकल भी। मैं हूँ हेमा और वो है होमा। उसका नाम होमा है? हाँ सही कहा, मैंने तो यही पढ़ाई की है। लेकिन मेरी बहन विदेश से पढ़कर आई है। महाराज जैसे गरीब छोटे लोग उस कल्चर के बारे में क्या समझेंगे? ऊपर से तुमने उसके साथ बहस की। क्या डायलॉग मारा था? लड़की अगर ढंग के कपड़े पहनेगी तो लड़के लोग रिस्पेक्ट करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। बोले थे ना? हाँ। चलो शुरू हो जाओ। अब शबनम मौसी के सामने हाथ जोड़ कर दिखाओ। हाँ।
माफी मांग। चलो इनको छोड़ दो, मुंबई से मेरी एक बहन आई हुई है, उनके सामने हाथ जोड़ो। शिवकाशी अद्भुत सुंदर, बृहद सुंदर, अति सुंदर, मुंबई की लड़कियां तो ऐसी होती है ना, बस दीदार हो जाए। दीदार कराओ बहना। तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? चल जल्दी से हाथ जोड़, कब से मेरा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा है। और क्या, हमारा वेट हो रहा है। बॉयफ्रेंड? अरे आज 14 फरवरी है। तो क्या? तो लवर्स डे है। आपका भी? अरे आज वैलेंटाइन डे है मेरी जान। ऐसा क्या? अभी आया मैं। अब मैं तुम सबकी सिर्फ तारीफ नहीं करूंगा, ओए माँ, बल्कि बंदूक की सलामी दूंगा। बोलो तू क्या? ओए, तुम्हारी बहन ने जैसे भी कपड़े पहने थे पर उसमें लड़कियों वाली नजाकत तो थी, तुम्हारी मर्दानी टोली जैसी बिल्कुल नहीं थी वो, और तुम भी उसके जैसी नहीं। कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला? मेरे और मेरी बहन के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अरे रे 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 रे, यही तो मेरी नजरों का कमाल है। मैं तो उड़ते हुए परिंदे को देख के बता सकता हूँ कि वो नर है कि मादा। तुम बहनों में फर्क बताना कौन सी बड़ी बात है। सच में बता सकते हो? बिल्कुल, देखो टोको मत। तुम दोनों किसी को भी धोखा दे सकती हो, लेकिन शिवकाशी की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरी नजरें बस की तरह तेज है। तेज आप डायलॉगबाजी बहुत होकर चले क्या? चल चल चल, जरा अपने स्टाइल में आ जाओ। ओ ये इसमें 3-4 छेद है, धोके क्या फायदा, इसका झंडा बना के ऊपर लहराते हैं। सुन, बीकेएम कॉलेज में पढ़ने वाला दिनेश यही रहता है। वो दिनेश मैं नहीं हूँ, ये उससे क्या काम है? अच्छा तू है, चल ले चलो इसे, यार बहुत चर्बी चाहिएगा, अंदर में सारी चर्बी उतारती हूँ, चल चाहिए, चल बनता है ना। अरे जाने दीजिए, चलो यहाँ से। भैया बचाइए, भैया देखिए मुझे ले जा रहे हैं, भैया बचाइए मुझे। लड़की को लेटर देता है? हाँ बता, लेटर क्यों दिया? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, मार मार के तेरी जान ले लूंगी मैं, बता बता बता। प्लीज बोल, नहीं तो आज ये गलत है। रुक जाइए, कौन है रे तू इसका? बोला था ना ये वकील मतलब देखा था। और ये मेरे क्लाइंट को क्यों मार रही है? इसने कॉलेज की एक लड़की को लव लेटर दिया है। तो आपको जलन हो रही है कि इसने लेटर उसे दिया और आपको नहीं दिया? क्या बकवास कर रहा है? कब बकेगा ये? बकना शुरू करता हूँ, अगर कॉलेज का लड़का कॉलेज की लड़की को लव लेटर नहीं देगा तो क्या यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर आपको देगा है? और कहेगा आई लव यू तमीज से बात कर। मुझे तमीज मत सिखाइए, ओके? ये जो कह रही है क्या ये सच है? वैसे तो कईयों को लेटर दिया है लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, आप कंधे से हाथ हटाइए। भैया मैंने जो लेटर लिखा था वो एक बार आप खुद पढ़िएगा, अगर आपको लेटर में कुछ भी गलत लिखा हुआ दिखा तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, पर भगवान के लिए मुझे इस झूठे इल्जाम से बचाइए। तेरी कंप्लेन की किसने? हेमा नाम की लड़की ने। हेमा इस वक्त कहाँ मिलेगी? कॉलेज में। ए, अगर मेरे लौटने तक किसी ने भी इसके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कानून की इज्जत करना भी जानता हूँ और उससे लड़ना भी। एक्सक्यूज मी, चूंकि मैंने ये केस लड़ा है तो मुझे इसके पैसे मिल जाएंगे ना? अरे कोर्ट में दलीलबाजी करनी पड़ती है, वो तो तुम्हें आता नहीं है। पहले केस कोर्ट में जाए, उसके बाद जाके मैं सब सेटल कर दूंगा। हम आएंगे, तुम नहीं जा सकते। क्यों? आपको टपकाने के बाद हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा ना, इसलिए। पढ़ो, सबके सामने ये लेटर पढ़ के बताओ, चलो पढ़ो। मैं हूँ दिनेश, आपका क्लासमेट। अब तक मेरी माँ ने पढ़ाई का खर्चा उठाया है। मेरी माँ दिन रात मेहनत करके मुझे फीस भेजती थी, खर्चा निकल जाता था। लेकिन बुरी खबर यह है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। अपने लिए नहीं, अपनी माँ की ख्वाहिश के लिए मुझे पढ़ाई पूरी करना जरूरी है। एग्जाम की फीस भरने का पैसा मेरे पास अभी नहीं है। मैं चाहता हूँ आप मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए, अगर आपने मेरी मदद कर दी तो मेरी माँ की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। हुँ,
इसने तुम्हें माँ का दर्जा दिया और तुमने इसे देखा आपने असली बात क्या थी और लड़की लड़के की कंप्लेन करे तो उसका सत्यानाश कर दो उसे तुरंत अंदर करो और उसकी पिटाई शुरू कर दो लेकिन असल में इसने गलत कंप्लेन दर्ज की है अब मैं जाकर तुम्हारी और इसकी कंप्लेन दर्ज कर दूं तो जिस तरह उसको पीटा गया उस तरह इस लड़की को भी पीटा जाएगा आप मुझे ये समझाइए कानून सिर्फ औरतों के लिए आंख वाला है और आदमियों के लिए अंधा है क्या इसकी कोई गलती नहीं है असली गुनहगार तो आप लोग हैं आदमी और औरत को एक समान मानिए उसके बाद कुछ फैसला कीजिए ये क्या कर रहे हो गलती की है तो उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी इधर हाँ भैया इसे बेचकर फीस भर अरे उधार समझ के रख ए, इसे कपड़े पहनाओ लेके जा अरे अब क्या चाहिए नीचे उतरो मुझे अपने मतलब के लिए लेकर आए ना अब मुझे कॉलेज कौन छोड़ेगा चलो मुझे कॉलेज छोड़ दो ये शिव के साथ क्यों घूम रही है ये तो शुरुआत है अभी बाइक पे घुमा रहा है देखना कल लेके उड़ जाएगा भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है इससे कॉलेज की इमेज खराब होती है लड़की पता है कौन है रतन जी की बेटी और जिसके साथ वो घूम रही है एक नंबर का लफंगा है सर बुरा ना माने तो मैं एक बात कह सकता हूँ दरअसल हम सबको उसकी दाद देनी चाहिए क्या मतलब और नहीं तो क्या आप खुद ही देखिए पहले हिमा कॉलेज में कैसे आती थी सही कहा सर पहले हिमा चिकनी चमेली बन के आती थी और अब वो कैसे आती है अब तो वो बहन जी टाइप कपड़े पहन के आती है इस बदलाव का कारण एक ही चीज है सर प्यार मोहब्बत ये चीज ही ऐसी है कि इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है तुझे भी तेरी जगह पहुंचाऊं बकवास बंद कर निकल यहां से अब देखते जाओ मैं क्या करता हूं इससे पहले कि देर हो जाए मैं चाहता हूं आप हेमा को समझाइए अगर वक्त रहते आपने नहीं समझाया तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैं समझाऊंगा उसे हाँ पर आपको संभल के रहना होगा सही कह रहा हूँ अगर आप जवान लड़की को ज्यादा प्रेशर देंगे ना तो ये भी हो सकता है आपकी बेटी आपके खिलाफ चली जाए फिर वो आपकी बात नहीं मानेगी उसके बाद ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे तो फिर उस लड़के से बात करते हैं अरे नहीं नहीं सर तब तो मामला और बिगड़ जाएगा तो फिर मैं क्या करूं अपनी बेटी और उस लड़के दोनों से बात नहीं करूं तो मामला कैसे सुलझेगा भाई साहब अगर रोड पे कचरा पड़ा हो तो उसे हम थोड़ी साफ करते हैं है ना वो कचरा बीएमसी लेकर जाती है इसलिए आपको पुलिस को फोन करना है पुलिस के डंडे से वो ठंडा हो जाएगा देखना कॉल कीजिए भाई साहब 100 ए शिव काशी कहाँ है सर वो लटक रहा है तो पूछा है उसका साफ साफ जवाब दे सर सर वो ऊपर में ही काम कर रहे हैं हाँ, वो फुलझड़ी जला रहे हैं ए शिव काशी रतन सेठ ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट की है क्या कहा मेरे खिलाफ कंप्लेन की है ए, उसकी लड़की को सरेआम घुमाएगा कंप्लेन नहीं करेगा तो क्या इनाम देगा अगर तुझे प्यार ही करना है तो अपने औकात की लड़की देखकर प्यार कर एक भोली भाली लड़की को फंसाने की जरूरत नहीं है ये मत भूल तू एक मामूली वेल्डर है और वो एक रईस की बेटी तू एक चाल में रहने वाला और वो महलों की रानी ए बेहतर है कि तू अपने काम पर ध्यान दे नहीं तो मुसीबत में आ जाएगा वकील हाजिर हो आगे 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 कानून में ऐसी कोई दफा है जो प्यार करने वाले को सजा दे नेवर आजकल तो लड़का लड़का से प्यार करे लड़की लड़की से प्यार करे ये भी कानून बन गया है मैं तो प्रेम का पुजारी हूँ और वैसे भी एज पर लॉ अगर प्यार करने वाला लड़का बालिग है और साथ ही साथ लड़की भी बालिग है तो दोनों को शादी करने से कोई नहीं रोक सकता वो कहावत सुनी है ना मियां बीबी राजी तो क्या कर लेगा काजी तो फाइनल अब मैं रतन सेठ की एक अनमोल रतन से टाका भिड़ाना शुरू करूंगा अब आपको जो करना है कर लो बाइक की चाबी दे ये लो एक सेकंड जरा माइक देना प्लीज रतन सेठ प्रेजेंट है क्या रतन सेठ आपने पुलिस को मेरे पास भेजा था ना यह आपने अच्छा नहीं किया क्योंकि अब इसके साथ मैं जिंदगी भर के लिए अपना नाम जोड़ने वाला
पता है कल तक मुझे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर तुम्हारी कंप्लेन ने मेरे दिल में, मेरे गुर्दे में इस लड़की के लिए प्यार भर दिया। और ये टाइम पास वाला लव नहीं, ये इश्क वाला लव है, और सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। डार्लिंग आई लव यू, 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 आई लव यू। मैंने तो दिल का हाल बोल दिया, अब तुम नहीं बोलोगी? शर्माओ मत। ए, चल बोल। सेम टू यू। ए, तेरे को मैं बेस्ट ऑफ लक बोला क्या? मुझे आई लव यू का जवाब चाहिए, चल जल्दी बोल, जल्दी जल्दी बोल। आगे 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 बोल बोल बोल। आई लव यू। हाँ, हो गया रिश्ता पक्का। ये भी आई लव यू, मैं भी आई लव यू, हम दोनों आई लव यू। अब हम शादी करेंगे, हनीमून मनाएंगे और इनके मुंह पे बच्चे मारते रहेंगे। मेरी अमानत को संभाल के रखना ससुर जी, पराया धन है ये। चलता हूँ डार्लिंग। जानू क्यों भाई हीरो, ये ड्रैगन की तरह आग उगल रहा है, होली की पिचकारी नहीं है, संभल के। अरे आग से खेलना तो शिवकाशी का शौक है। कौन है जो मुझे चुटकी बजा के बुला रहा है? उधर तो देखो कौन बजा रही है। क्यों जानू, जब से आई लव यू कहा है रातों को नींद नहीं आ रही क्या? सुबह सुबह यहाँ पर आ गई। आपके लिए सुंदरी हो या मिस वर्ल्ड हो, कोई भी इंतजार नहीं कर सकती। अरे ये तो लोकल है, ये तो आएगी ही ना। देखो, तुम्हारे साथ मैं बाइक पर आई, तुमने मेरी चेन खींची, हमारे बीच में वो प्रोफेसर आकर घुस गए। अगर तुम्हें आई लव यू ही बोलना था तो डायरेक्टली मुझे बोलते, मेरी बहन को जाकर क्यों बोला? तुम्हारी बहन को बोला? हाँ बिल्कुल। अरे वो क्या तुम्हारी तरह हैरी गैरी है क्या? अरे वो विदेश से पढ़कर आई है, उसका सोचने का ढंग अलग है, कल्चर अलग है। इतने लोगों के सामने उसे आई लव यू कह रहे थे, तुम्हारे जैसे लो क्लास आदमी ने उसे प्रपोज किया, इसलिए इसलिए पॉइजन पी लिया उसने। इस वक्त मेरी बहन हॉस्पिटल में मौत से लड़ रही है। वो मर जाएगी तो? हेलो बेटी हेमा, कहाँ हो? डैडी, मेरी बहन अब कैसी है? कौन बहन, किसकी बहन? क्या डॉक्टर ने जवाब दे दिया? ये क्या कह रही हो तुम? बचने की उम्मीद नहीं है। डैडी, उसके मरने की वजह एक आदमी है और वो मेरे सामने खड़ा है। मैं वापस कॉल करती हूँ। अब सुन, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, तुम सब लपेटे में आ जाओगे। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, इस छोटे को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मजा चखाऊंगी। इस मोहल्ले में सबके सामने तुम्हारी नाक कटवाऊंगी और फांसी पे चढ़ाऊंगी। याद रखना मेरा वादा। क्यों भाई हीरो, तुमने तो कहा था कि तुम इसको, इसके बहन को अंदर से बाहर से पूरी तरह से जान चुके हो। कुंडली पलट गई क्या? ग्रह दशा बदल गई क्या? अब तो पुलिस भी आने वाली है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। पुलिस? भाई सुसाइड केस है, ऐसा वैसा केस नहीं है, शायद वही पुलिस वाली आ जाएगी। वो बाहुबली पुलिस, वो आ जाएगी तो क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो बस मरना है, मार मार के फेफड़े हथेड़ियों का नीमा बना डालेगी। बताओ उस लड़की को लॉटरी क्यों दिया? मार मार के तेरा भुर्जा बना दूंगी मैं। थोड़ा टाइम प्लीज, मैं घर जाके हुलिया बदल लेता हूँ। वो क्यों? पांच जोड़ी कपड़े पहनूंगा ताकि कम मार लगे। घर जाके क्या करोगे? ये चुप रहे, तुझे तो मैं बोरी में बंद कर दूंगा, बड़ों के बीच नहीं बोलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं। घर में वार हो रहा है, चल उसके तलवे चाट के उसे माफी मांगते हैं। अरे हीरो, लेडी पुलिस को तेरा चेहरा याद है, वो दुश्मनी निकालेगी, वो तो धो डालेगी, दो हवलदार पुलिस भी छोड़ेगी नहीं, तू तो हीरो बच जाएगा, मेरा तो गुर्दा कलेजा सब निकाल लेंगे। इस लफड़े से बचने का कोई तरीका? एक तरीका है। क्या? पहले हमें बेल लेनी होगी। किधर है वकील? वो पायरेटेड वकील कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो फिर फर्स्ट कॉपी वकील ढूंढना पड़ेगा। क्या मतलब, जेल जाने से पहले जमानत चाहिए? ये मैटर मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा है। आज की डेट में ये बहुत बड़ा पापी है, एक लड़की को आई लव यू बोला तो उसने जहर क्या? पर ये कैसे पॉसिबल है, आई लव यू बोलने से वो जहर क्यों पिएगी? एक्चुअली साहब, इनका बताने का स्टाइल थोड़ा अलग है, इसलिए फंस गया है। देखो मेरे खोपड़े गरम मत करो,
लड़की कौन है, उसका नाम क्या है, जरा खुल के बताओ ना। ठीक है, वकील होने के नाते सारी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रतन सेठ की दूसरे नंबर की बेटी है, तो उस दूसरी बेटी से इसे एक नंबर का प्यार हो गया है। मोहब्बत के 3-5 के चक्कर में लड़की ने जहर खा लिया और हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है। मामला थोड़ा गड़बड़ है, आप जिसकी बात कर रहे हैं उसकी 2 बेटी नहीं सिर्फ 1 ही बेटी है। तुझे लगता है इसने रिसर्च नहीं की है? दोनों बहनों का कच्चा चिट्ठा जानता है ये। बस इसके पास केस लड़ने के लिए वकालत की डिग्री नहीं है, ये तो हर केस जीत सकता है। सही कहा ना? सही कहा। अच्छा एक बात बताऊं, मैं उनका फैमिली वकील हूँ। तो ये क्या गोद लिया हुआ वकील है? क्या केस मत बनाओ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे केस हैं। बाल जाएंगे। जिस रतन सेठ की आप बात कर रहे हो ना, हाँ जी, उसकी एक ज्वेलरी की भी दुकान है। हाँ जी, लेकिन उसका क्या? 10 साल से उनके लिए वकालत करते हुए उन्हें झेल रहा हूँ। हाँ जो है साफ बोलिए, घुमा फिरा के हमारा हीरो भी नहीं बोलता, क्यों? सही कहा ना? तुम्हारी औकात क्या है मुझे समझ में आ गई। अब बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, नहीं तो सब सर के ऊपर से चला जाएगा। ये मैंने कल ही खरीदा है, स्पीकर फोन है, दोनों की बातें सुनाई देगी, इधर उधर दोनों की बातें सुनाई देगी। अब मजे लो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूँ बेबी, लॉयर रॉकेट लियो बोल रहा हूँ। अरे अंकल बोलिए, आप कैसे हैं? मैं तो मजे में हूँ। ये बताओ अभी तुम कहाँ हो? मैं तो जिम में हूँ अंकल, आपने अचानक कैसे फोन कर लिया? अरे मैंने तो बस ऐसे ही फोन किया। अच्छा उस दिन जो तुम्हारा झगड़ा हुआ था वो किन लोगों के साथ हुआ था, ये झगड़े की वजह क्या थी? अंकल क्या बताऊँ, उस एरिया में एक फालतू लड़के से मेरा झगड़ा हो गया। नाम शिव काशी लेकिन एक नंबर का ढक्कन है। मुझे ढक्कन बोली? दिखने में तो बड़ा सिंपल लगता है लेकिन जब मुंह खोलता है ना तो बिल्कुल लोफर जैसे बात करता है। एक नंबर का डफर है। डफर? डफर बोली? मेरे साथ चांद पत्ती करने आया था, मैंने भी उसको सबक सिखा दिया, 10 औरतों को साथ लेकर जाके पूरा हिल गया था। हिल गया? मैंने उसको टोपी पहनाई, उससे कहा कि मेरी एक और बहन है, जुड़वा बहन है। उस बेवकूफ ने मेरी बात पर यकीन कर लिया। इतना झूठ? अंकल ऐसा बेवकूफ आदमी आपने कभी देखा है क्या? नहीं अभी तक तो मौका नहीं मिला, पर लगता है अभी मिल रहा है। वो तो बेवकूफ है ही लेकिन उसके दोस्त भी ना बिल्कुल बेकार। ये लोग किसी काम के नहीं है, अजीब किस्म के लोग हैं अंकल। और तो और उन्हें डराने के लिए झूठा पुलिस केस भी सुना दिया। अब वो लोग कहाँ होंगे कुछ पता है? कहाँ होंगे पता नहीं, मुझे बताओ। बताओ होंगे किसी गधे वकील के सामने खड़े, डर गए ना। अब मैं बाद में बात करता हूँ। तो जमानत का क्या करना है? ए वकील, अब जमानत की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, उसे पड़ेगी, क्योंकि मैं उसकी सारी नौटंकी बाजी बंद करने वाला हूँ। अब चलो। Hello girls, how are you? Follow me. Hey Tom, tum hai ma hai? Tom hamara bro ko tafleek diya. Bro kaun? Yes bro, hum dono Xerox copy ek hi thaan se nikla 2 cut piece. Uska naam Shiv Kashi aur mera naam hai Jay Kashi. जय काशी। माँ का नाम टिम काशी, बाप का नाम टॉम काशी, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जब लड़का उसे बुरा भला बोले तो वो 15 मिनट तक खाना नहीं खाता और तुम लड़की हो के उसको डांटा। अब वो बिना बोले टाटा खा के कांधा बजाता एक ट्रेन के सामने लेट गया। ट्रेन के सामने लेट गया, पैर फैला के 1200 लोग टपक गया। टपक गया? कौन टकराया वो तो सोचो, शिव काशी ना, तभी तो पलटी हो गई ट्रेन। फिर क्या हुआ? बस उसको कुछ नहीं हुआ, एक छोटी सी खरोंच थी, वो फूंक मार के सब सही हो गया। आप तो उसके साथ थे ना? वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। हम कुंभ के मेले में पैदा हुए थे, दोनों के थोबड़े एक जैसे, बस मैंने विग पहन लिया नहीं है, मतलब हजाम बदल लिया। माय ब्रदर वेंकी, क्या मैं ब्रदर मंकी है? व्हाट मंकी? करेक्ट, यो डुप्लीकेट हो सकता है, इसका डुप्लीकेट हो सकता है, इसका डुप्लीकेट हो सकता है, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? मैंने क्या बिगाड़ा है? बला बला बला, मेरा भी है। पहले ठीक से पैदा तो हो लाई। ये सब चीटिंग नहीं चलेगी। हाँ की चीटिंग, तुमने जो किया वो ईटिंग थी क्या? तुमने नकली बहन बनाकर उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया, ये क्या चीटिंग नहीं है? सब जानता हूँ, अब पूरा हिसाब चुकता करूँगा। एक मिनट,
पहले मुझसे प्यार से बात करो। नहीं करूंगा, क्या कर लोगी तुम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किसने रोका? करो। इन सब के सामने नहीं हो सकता। ये तीनों बचपन के साथी हैं, यहीं पर रहेंगे। थोड़ा प्राइवेट मैटर है। चाहे ऊपर से भी ऑर्डर क्यों ना आ जाए, ये लोग नहीं जाएंगे। पढ़ने देता हूँ इन्हें, तुम अपना बको। ठीक है, ओके। आई लव यू, 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 आई लव यू। तुम सब लोग खुदो यहाँ से। अभी तो डायलॉग मारा बचपन के साथी है, हम बाहर कैसे जा सकते हैं? अबे निकल ले। हम तुम्हारे लंगोटिया यार हैं, सुख दुख मिलके बांटेंगे। मेरे सुख का टाइम आ गया है, तुम लोगों का दुख बढ़ा दूंगा, जल्दी निकलो। I object, Your Honor. अरे हमें पराया कर दिया। इस केस की तफ्तीश करनी पड़ेगी। देखा, प्यार ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। उस आग में दोस्ती भी जल गई। तेरी दोस्ती के लिए बदला लेगा ये बैंक। चलो अपने धंधे पे लग जाए। अभी तक मेरी फीस 300 हो गई है। इस केस की फीस तो क्या, तुझे केस भी नहीं मिलेगा। स्ट्रगलर वकील चंबल उठा रहा होगा या उसे उठा रहा होगा वो। अरे भाई, अंदर क्या कांड किया तूने? एक बहुत जरूरी बात की। अरे उंगली क्या दिखा रहा है, अंदर क्या हुआ बाहर बताना। तुम जैसी फ्रॉड से प्यार करके मैं फंसना नहीं चाहता। मैं तुझसे पटने वाला नहीं हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, इसलिए टाइम वेस्ट मत कर। बात घिसी पीटी है लेकिन ध्यान से सुन, ये सारी फालतू चीजें छोड़ और योगा करना शुरू कर। चलता हूँ। तो उस दिन शादी के मंडप में आके आई लव यू क्यों बोले? तेरे बाप को सबक सिखाने के लिए बोला। तो फिर मुझसे आई लव यू बुलवाने का क्या मतलब? अरे तेरे बाप को खाली ठसाने के लिए बुलवाया। कान खोल के सुन लो, लाइफ में मैंने पहली बार किसी को आई लव यू बोला है और वो हो तुम। मेरा पहला प्यार, मेरा जीवन साथी मैंने चुन लिया, ये तुम जान लो। पहला प्यार? हाँ? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं दिल से तुम्हें चाहती हूँ। आई रियली लव यू। सच्चा प्यार जब होता है ना तो घर छोड़कर भागना पड़ता है, जान भी देनी पड़ती है, ये सब पता है ना? तुम्हारे प्यार की सच्चाई जानने के लिए उसकी गहराई नापना, ऊंचाई को जांचना और चौड़ाई का पता करना, इतना भेजा कौन खपाएगा? प्यार की आखिरी सीढ़ी क्या, ये तुम भी जानती हो और ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। तो तुम टाइम निकाल के एक रात से सुबह तक मेरे साथ वक्त बिताओ। क्या हुआ, प्यार का ड्रामा खत्म हो गया? मुझे पता था तुम फिर से मुझे फंसाना चाहती हो। अरे हीरो, ये क्या कर दिया, उस लड़की के दिल को कांच की तरह तोड़ दिया। अभी भी वक्त है, रोक ले, वो गाड़ी किसी को ठोक देगी। ए मेरे भाई, एक गरीब लैला एक अमीर मजनू से प्यार करे, इसके 1,00,000 कारण होंगे, लेकिन ऐसी राजकुमारी तेरे जैसे फकीर से प्यार करे तो कहीं ना कहीं प्यार सच्चा होगा। देखो देखो, शादी ऐसी चीज है ना, उसे सिर्फ अपनी हैसियत के हिसाब से करना चाहिए, वरना हम बोझ बन के किसी की जिंदगी खराब कर देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जिंदगी देने का नाम है, लेने का नाम नहीं। अरे तेरा ये प्रवचन बाद में देना, लेकिन पहले उस लड़की को संभाल यार। अरे मैं तो चाहता ही हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए नफरत हो। देखा नहीं, जब मैंने उसे साड़ी पहनने को कहा उसके दिल में प्यार जागा, जैसे ही रात बिताने की बात की तो प्यार खत्म। अब समझे तुम लोग? शिवकाशी, तू तो सच में लव गुरु बन गया, पर कैसे? देखो बेटा, ये अंदर की बात है। तो ये अंदर की बात हमें भी तो बताता जा, चड्डी बिकवा के छोड़ेगा ये। ये सब क्या, ये क्या नया नाटक है? तुमने ही मुझे बुलाया था ना, तो आ गई मैं। तुम्हारे साथ शादी कर लेती तो मेरी जिंदगी बन जाती, लेकिन ये जिंदगी अजीब है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसीलिए मैं ये लाई हूँ, पॉइजन। आज यहाँ हूँ, कल अर्थी पर, यही जिंदगी है। ए, चलो निकल यहाँ से, चलो जल्दी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हेमा दरवाजा खोलो, मेरे भाई आए हैं। दरवाजा खोलो, हेमा खोलो दरवाजा। आखिर इतनी बेशर्म कैसे हो गई तुम? जब पापा ने तुम्हें मंजूरी दे दी है तो शादी तक रुक नहीं सकती। हम सबकी इज्जत उछाल रही है, अगर हमें पता होता ना तो बचपन में ही तेरे पर कतर देते। इसने अपनी औकात दिखा दी ना। चल।
ए, मैं जानता था तेरी नियत में खोट है, लेकिन हमने हेमा के लिए वो सब भी भुला दिया। सोचा तू बदल जाएगा, लेकिन आज तेरी इस हरकत ने साबित कर दिया कि गटर के कीड़े की सोच गटर जैसी होती है। चल। अच्छा हीरो बात बता, उस हीरोइन का नाम क्या था? रेखा की हेमा, कई दिनों से देखा नहीं है हेमा। अरे हेमा माताजी। भैया। अरे दिनेश आज यहाँ कॉलेज नहीं गया क्या? फीस तो भर दी थी ना? हाँ वो तो भर दी। एक्चुअली मैं ये चेन भैया को वापस करने आया था। क्या बोला, वापस करने आया है? तो फीस के पैसे कहाँ से आए? चेन को गिरवी रख के फीस भर दी। बाद में मेरे दोस्त ने मुझे कुछ पैसे दिए, उससे मैंने इस सोने की चेन को छुड़ा लिया। भैया हेमा को ये चेन वापस कर दीजिए ना। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन, जब तुम उस लड़की को पर्सनली जानते हो तो फिर ये चेन उसे कॉलेज में जाके दे दो। इस बेचारे को उस कहानी में क्यों घुसेड़ रहे हो? हेमा तीन दिनों से कॉलेज नहीं आई, इसीलिए मैं यहाँ आया। क्या बोला, तीन दिन से वो कॉलेज नहीं आई? तीन दिन से वो लड़की कॉलेज नहीं गई और तीन दिन से वो यहाँ भी नहीं आई। अरे हीरो, उसे जमीन तो नहीं खा गई ना? ए, अपने काम पे ध्यान दे। काम करूँ ना करूँ मेरी मर्जी। आज तुझे मैं एक कड़वा सच बताता हूँ, मेरी फैमिली को तेरे साथ दोस्ती बिल्कुल मंजूर नहीं है, और इसकी फैमिली कह रही है अगर तेरे साथ दिखाना तो इसको घर से ही बाहर निकाल देंगे। तुझे बुरा लगे तो भले लगे, हमारी बात तो छोड़, तेरे माँ बाप जिंदा होते ना तो वो तेरे इस व्यवहार से नफरत करते। हाँ लेकिन तुझे एक अमीर लड़की, खूबसूरत लड़की जो तेरी औकात से बाहर है, वो तुझे आकर आई लव यू बोल रही है, उसकी तुझे बिल्कुल परवाह ही नहीं है। सुन हीरो, तू हमेशा अपने आप को अनाथ कहता है ना, लेकिन अगर वो लड़की तुझे मिल जाएगी ना तो तेरी तो लाइफ ही बदल जाएगी भाई। उसके भाइयों की नजरों में उसने बहुत ही संगीन जुर्म किया है, और इसी गलतफहमी की वजह से उसके भाई उसे ले गए। हम तो बैठाकर समझाते हैं, लेकिन बड़े लोग तो जान से ही मार देते हैं। अगर ये बात सच हुई तो उसकी कहानी खत्म हो सकती है, और इल्जाम उन पर नहीं लगेगा, तुम पर लगेगा मेरे भाई। मुजरिम वो नहीं कहलाएंगे, तुम कहलाओगे। तुम्हें इसे रोकना ही पड़ेगा शिवकाशी, नहीं तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। मेरी बात मान लो, तुम उस लड़की से प्यार करो ना करो, लेकिन एक बार जाकर उसे देख कर तो आओ कि वो किस हाल में है, और हम सब भी यही चाहते हैं। भैया आप लेट मत करिए, जाइए। ए, किधर है हेमा? हाँ, किधर है? किधर है हेमा? ए, ए, दूर से बात करो। जवाब दे, किधर है वो? तू बता, किधर है वो? ए, क्या बदतमीजी है? तुम जानते हो कहाँ खड़े हो तुम? ए, बता हेमा कहाँ? हेमा मेरी बेटी है, उसे आँख उठाकर भी देखा। होगी तेरी बेटी, और अभी के अभी उसे मेरे सामने लेकर आ, वो सही सलामत नहीं दिखी तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। समझ में आया? अब बोल कहाँ है? सुनाई नहीं दिया क्या बोला मैंने? ए, 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 नहीं। हेमा कहाँ है? बोल कहाँ पे है? कहाँ है हेमा? सॉरी डैडी। अरे सॉरी क्यों कह रही हो? मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार देखा है, उससे ज्यादा खुश तुम्हें कोई नहीं रख सकता। धन दौलत तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन ऐसा प्यार नहीं मिलता। और हाँ, लड़का मुझे बहुत पसंद है, उसके पापा से कहना मुझसे आके मिले। वो तो अपनी खोली पर है। खोली पर? मेरे बाप का क्या कसूर था? क्यों मारने गए थे बताओ मुझे? तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए। ए, मेरा ख्याल रखने वाले मेरे डैडी हैं और मेरे भाई भी हैं, और फिर बैंगलोर में मेरे मामा हैं, हैदराबाद में मेरे चाचा भी हैं। मेरा ध्यान रखने वाले कई सारे लोग हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान रखने वाला कौन है? है ना, तुम हो ना। कौन, मैं?
भला मैं तुम्हारी कौन हूँ? मैं तुम्हारा ध्यान क्यों रखूंगी? मेरा तुमसे क्या रिश्ता? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना? क्या? गर्लफ्रेंड हूँ? बाप रे बाप, क्या तुम मुझे हर रोज फोन करते हो या फिर दिन रात मैसेज करते हो? क्या मेरे फोन का बिल भरते हो? घुमाने के लिए मुझे ये फिल्म या बीच पर लेके जाते हो? या मुझे शॉपिंग करा करा के थक चुके हो? ये सब रहने दो। ये सुनो, यहाँ तुम अकेले और मैं भी अकेली, क्या मुझे देखते ही तुमने मुझे गले लगाया? हेमा हमारी लाडली है, पर वो हम सबसे भी कहीं ज्यादा आपसे प्यार करती है, इसीलिए हमारे डैडी बिना किसी शर्त या एतराज के इस शादी के लिए राजी हो गए हैं। शादी के बाद आप यहीं रहने वाले हैं क्या? हाँ, यहीं पे। क्यों? एक्चुअली शहर में हमारे 10 बंगले हैं। जो बंगला आपको पसंद है आप उसमें रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्वेलरी की 6 दुकानें भी हैं, उनमें से आपको जो पसंद हो उसे लेकर चला सकते हैं। बाहर निकलो। ए, बाहर निकलो। देखो हमसे इज्जत से बात करो। ए, सच्चा ये तुझे अभी देता हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। ए, सब समझ में आता है मुझे। घर जो मैं बनाना चाहते हो यही बात है ना? यही कहना चाहते थे? हमने ऐसा क्या कह दिया? हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। पैसे का जोर दिखा के मुझे खरीदना चाहता है? मैं बिकाऊ चीज हूँ क्या? पैसे का जोर दिखाता है मुझे? आप पैसे से खरीदेगा ये मुझे? भैया मैं दिखाता हूँ इसको। लोग अभी चले गए, शांत हो जाओ। दिमाग ठंडा रख, आजा। अरे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तू यहाँ बैठ, सबके दिमाग। अरे यार, हर बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं है, थोड़ा आराम कर फिर नीचे आ जाना। चुप, सब शांत हो जाओ। मेरे भाइयों को क्यों मारा? मैंने क्या पूछा तुमसे? मुझे जवाब चाहिए। सुनाई दे रहा है तुम्हें? मेरी मेहनत की कमाई काफी नहीं है क्या? ये घर रहने लायक नहीं है क्या? ऐसे घर में परिवार नहीं बसते, बच्चे नहीं पलते, ऐसे घर में खुशियां नहीं मिलती है क्या? दुकान और घर देने का लालच दे रहे थे तुम्हारे भाई, इसलिए सही सलामत जा पाए। वो मेरे भाई है और वो चाहेंगे कि उनकी बहन हमेशा खुश रहे। अपनी बहन की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा बोला होगा। भाई हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, वरना वो भाई कैसे होंगे? तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, तुमने सबके सामने उनको बेइज्जत किया। ए, क्या तुम ही अकेले हो जिसने दुनिया में प्यार किया है? जानवर भी प्यार करते हैं और पंछी भी प्यार करते हैं, लेकिन वो उनको खुश रखना भी जानते हैं। तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? तुम परिवार के साथ थोड़ी रहे हो। भाई का प्यार क्या होता है मालूम है? नहीं तो बहन के प्यार के बारे में जानते हो? अरे प्यार की परिभाषा तुम्हें पता ही नहीं है। आखिर तुम एक अनाथ हो और तुम प्यार को कभी नहीं जान पाओगे। काहे का अनाथ? हाँ, क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? मेरा भी परिवार है, भाई बहन है। मैं एक अकेला नहीं हूं, मैं भी अपने परिवार को चाहता हूं। इसलिए रिश्तों का पाठ ना मुझे मत सिखाना, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? हे, इसमें मेरा क्या दोष है? तुम्हें ने तो मुझे बताया कि तुम अनाथ हो। उस दिन सबके सामने नहीं बताया था तुमने? हाँ, मैंने कहा था, पर मैं असल में अनाथ नहीं, बस अनाथों की जिंदगी जी रहा हूं। ठीक है, मुझे माफ कर दो इस सब के लिए। अब वो कहाँ है? गांव में रहते हैं। गांव में? कौन से गांव में? वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। वो यहाँ पर कब आए थे?
आज तक यहाँ कभी नहीं आए। तो फिर तुम उनसे आखिरी बार कब मिले थे? बताओ मुझे, तुम उनसे आखिरी बार कब मिले थे? उनसे आखिरी बार मिले 15 साल हो गए। 15 साल बीत गए? ये तुम क्या कह रहे हो? छोटी उम्र में ही उनसे दूर हो गया था। यहाँ सब मुझे शिव काशी कहते हैं, लेकिन घर वालों ने कुछ और नाम रखा था, वो मुन्ना कहते थे। अरे राजा! क्या बोल रहा है? इसके अंदर सच में देवी आ गई है? ए, ये सब नाटक है, तू पागल हो गया क्या? अबे ऐसा मत बोल, सच भी हो सकता है। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊं कि ये सब झूठ है। चल ठीक है, साबित करके दिखा। चला जा। चल। ये कितने में देगा? सुन मुन्ना, मेरा एक काम कर। क्या बोल? तू अपने घर जा और जो 1000 वाला पटाखा रखा ना वो लेकर आ। चल जल्दी जा। वो मैं नहीं ला सकता, माँ ने मना किया हाथ लगाने के लिए। मुझे वो पटाखा आज ही फोड़ना है, तू जल्दी जा। ठीक है मैं लाता हूँ, लेकिन मुझे तेरा चश्मा चाहिए। ठीक है चल। तो फिर जाने दे। रुक रुक रुक, तू भी क्या याद रखेगा, चल ले। कहाँ जा रहे हो पटाखे लेकर? हाँ देखने रही, फोड़ने ले जा रहा हूँ। पटाखे हैं तुम्हारे काम की चीज नहीं है, इसका आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देगा, सिर्फ देखना ही पड़ेगा। खाली फुकट टाइम फुकट कर रही है। इतनी बहरी भी नहीं हूँ, अभी भी मुझ में बहुत हिम्मत है, समझे? पता लग जाएगा। ये लो, मेरा काम हो गया। यही वो लड़का है जो पटाखा लेके गया। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने इसे मना किया लेकिन फिर भी नहीं सुना। मेरी बात ना सुनने का अंजाम देख लो। अब बता, इनकी बात सही है? पापा मैं सच बता रहा हूँ, लाया मैं हूँ लेकिन फोड़ा मैंने नहीं। अच्छा फिर किसने फोड़े पटाखे? इधर उधर क्या देख रहा है, जल्दी बोल। अरे बोल ना। पापा मुझे नहीं पता। क्या कह रहा है, सच में नहीं पता? सच में मुझे नहीं पता। देख मुझे गुस्सा मत दिला, जल्दी बता किसने फोड़े पटाखे, चल जल्दी बोल। पापा ये झूठ बोल रहा है, पटाखों की रोशनी से बचने के लिए मेरा चश्मा पहना था, चश्मा उसके जेब में ही है। ये देखिए ये चश्मा इस बच्चे की जेब से निकला है, और कोई सबूत चाहिए आपको? मम्मी, मम्मी। सुन आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, अगर घर पे कदम भी रखा तो जिंदा गाड़ दूंगा। आज से मेरा एक ही बेटा है, जाए यहाँ से। ए, चलो यहाँ से, मैंने कहा ना चलो। ऐसी नालायक औलाद पैदा होने से अच्छा था ये दुनिया में आता ही नहीं। आज से मेरा एक ही बेटा है, जाए यहाँ से। और तब से मैं यहाँ आ गया, अब वापस लौट के अपने माँ बाप का दुख बढ़ाना नहीं चाहता। बचपन में भाई हमेशा अपनी गलतियों का इल्जाम मुझ पे लगा देता और उसकी गलती की सजा हमेशा पिताजी मुझे देते। जब कोई औरत मुझे मुन्ना कहकर बुलाती थी तो
माँ की बहुत याद आती थी, और जब कोई आदमी प्यार से मुन्ना कहकर कहता था तो पिताजी की बहुत याद आती। उस दुख को भुलाने के लिए मैंने अपना नाम शिवकाशी रख लिया और उनके बिना चीने की आदत भी डाल ली। तुम्हारे भाइयों पे जो मेरा गुस्सा निकला उसकी वजह वो नहीं थे। मेरे गांव में मेरी इतनी जायदाद है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इतना सब कुछ है फिर भी खैरात में कोई दौलत दे रहा था ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो, एक बार तुम्हारे पापा ने गुस्से में आकर मारा तो तुम उन सबको छोड़कर आ गए। कितनी बार तुम्हारे पापा ने प्यार भी किया होगा उस बारे में कभी नहीं सोचा तुमने। जब तुम घर छोड़कर आ रहे थे तुम्हारी बहन की उम्र क्या होगी? यही कुछ 7-8 साल होगी ना। अब तुम्हारी बहन कैसे जी रही है, उसकी शादी हुई या नहीं हुई वो छोड़ो, वो जिंदा भी है या मर गई ये भी तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता ना, तो फिर तुम्हें किसने हक दिया एक बहन से प्यार करने वाले भाइयों को मारने का? एक छोटी सी बात पर गुस्से में तुम घर वालों को छोड़कर आ गए। पति पत्नी के बीच में हमेशा अनबन होती है। कल तुम्हारी होने वाली बीबी गुस्से में कुछ बोल दे तो तुम उसे भी छोड़कर चले जाओगे क्या? मेरी बात छोड़ो, कोई दूसरी भी तुमसे शादी नहीं कर पाएगी। सुनो मेरी बात, मेरे डैडी चाहते हैं तुम घर पर आकर मेरा हाथ मांगो तब वो मान जाएंगे, पर अब ये मुमकिन नहीं होगा। तुमने सब गड़बड़ कर दी। मैं तुमसे शादी करूंगी मगर तुम अकेले आओगे तो नहीं, तुम्हारे परिवार से माँ बहन भाई पिताजी ये सब आएंगे तभी मैं मानूंगी। और अगर नहीं कर पाए तो कोई और ढूंढ लेना, मगर मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। मैंने प्यार भी किया होगा उस बारे में कभी नहीं सोचा तुमने। नमस्ते। बैठिए बैठिए आप सब। कैसे हैं आप लोग, सब ठीक है ना? आप ये सोच समझ कर बेच रहे हैं ना? अरे भाई ये मिल तो चलती नहीं है, कब तक इसकी देखरेख करूंगा? आप लोग एक्सपीरियंस है, आप इसे लेकर चलाइए। एक बात कहूँ, मैं आपके पूरे खानदान को जानता हूँ, किसी ने आज तक अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची। अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने तुम्हारी सलाह मांगी क्या? नहीं। अरे बुड्ढे, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसे बेचने जा रहा हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। तुम तो यहाँ सिर्फ गवाही देने आए हो, तुम क्यों बेवजह आंसू बहा रहे हो? चलो चलो पैसे लेके आओ। साहब, ये जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं ना, इसमें इसके भाई का भी हक है, उसके साइन के बिना प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकते। भाई का हक? अरे छोड़ो, कोई मेरा भाई भाई नहीं है, वो तो कब का मर चुका है। ये बिल्कुल झूठ है, नहीं मरा है वो, उसे मैं अच्छे से जानता हूँ, वो यहाँ जरूर आएगा। जरूर आएगा? अबे रुक जाओ, बोल आएगा क्या? भाग गए साहब, आप लोग शांति से बैठ जाओ। अरे सुनो नहीं, बैठ जाओ। चलो जल्दी पैसा निकालो, मैं साइन करता हूँ। लेकिन आपके भाई आ जाते तो? अरे क्या भाई भाई की रट लगा रखी है, वो 15 साल पहले गुम हो चुका है, वो वापस नहीं आने वाला। ट्रेन बस लॉरी के नीचे आकर मर गया होगा वो, कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलेगा उसका, उसे यहाँ वापस आने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई अवतार है जो दोबारा जन्म लेकर यहाँ आ जाएगा?
उदय भैया एमएलए। भाई जरा सुनना, ये उदय भैया यहाँ के एमएलए बन गए। आपको नहीं पता, वो तो 10 साल से हैं। पिताजी, कौन हो भाई? तुम्हें किससे मिलना है? वो मैं हूँ, मुझे एमएलए से मिलना है। अच्छा, एमएलए से मिलना है, लेकिन आज तो वो बहुत बिजी है, उनका जन्मदिन है तो वो सासू माँ के पास आशीर्वाद लेने गए हैं। एमएलए साहब की माता जी। अच्छा माता जी, वो तो घर के पीछे रहती हैं। जाओ उधर से चले जाओ। जरा सुनिए, तुम अच्छे बच्चे हो ना। कौन हो तुम बेटा? एमएलए से मिलने आए हो? आपने कुछ बताया नहीं। शायद तुम नए हो इसीलिए ऐसा पूछ रहे हो। अब वो यहां नहीं रहता। दो बेटे थे मेरे, एक तो मुन्ना और दूसरा ये नालायक। एक तो ऐसे ही गंगा जैसा कहीं बह गया और दूसरा यही है। मैं भी बह जाती तो अच्छा होता। देखिए, आपका जो बड़ा बेटा है वो आपको पूछता है। अब मैं उसके बारे में क्या बताऊं, जिस बेटे को 9 महीने तक अपने कोख में रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया सब किया। देखो आज उसके माँ की हालत क्या है। जब वो छोटा था तब मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाता था, और आज जब मुझे उसकी जरूरत है तो मुझे धक्का मार के बाहर निकाला। इतना आलिशान कर छोड़ के आप यहाँ पे इस तबेले में क्यों रहती है? मेरा दूसरा बेटा गांव छोड़ के गया। वो आज तुम्हारे जितना होता वो आएगा। जब चौराहे पर उसके बारे में पूछती तो मुझे पागल समझकर लोगों ने यहाँ पटक दिया। अगर आपका छोटा वाला बेटा वापस आए तो क्या करेंगे? तो मैं उसे गले से लगाकर बहुत आशीर्वाद दूंगी। मैं जिंदा हूं तो बस मुन्ना के लिए,
वो बस आ जाए मरने से पहले एक बार उसे जी भर के देख लू, यही तमन्ना तुम कौन हो बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मत रो बेटा, देखना एक दिन मुन्ना आएगा। माँ जी, आपकी तो एक बेटी भी थी ना? तुम मेरी बेटी को जानते हो? उसकी जिंदगी तो मुझसे भी ज्यादा बदतर है। ज्यादा? क्या हुआ उसे, बताइए मुझे। मैं नहीं बता सकती। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? अरे मैं तो बर्बाद हो गया। अरे आखिर हुआ क्या आपको, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे मेरी जायदाद खा रहा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्यों माँ जी, ये लोग लड़की देखने आए हैं क्या? तुम लोगों को दूसरा कोई काम नहीं है क्या? अरे मनहूस, तुझे क्या हुआ? तू तो किसी के साथ भी चक्कर चला सकती है, तू किसी के साथ भाग क्यों नहीं जाती? मुझे बर्बाद करने पर क्यों तुली है? इनको देखो कैसे भूखों की तरह खा रहे हैं। खा लो डकार ले लेकर खाओ और फिर यहाँ से चलते बनो। लड़की देखने के बहाने खाना खाने आ जाते हो, और कुछ काम तो है नहीं तुम लोगों को। मुझसे शादी करोगी? बोलो मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, शादी करोगी या नहीं? अरे बाला, तू कर क्या रहा है? मैं इससे अभी शादी कर रहा हूँ। शादी कर रहा है? बेइज्जती होने के बावजूद अगर तूने शादी की तो मुझे भूल जाना, मर गया तू मेरे लिए। चलो हम चलते हैं। चलो 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 चलो, अपने सारे जेवर उतार दो। ये पैसे क्यों फेंके पता है? हो सकता है इसने तेरे पैसों की साड़ी पहनी हो, इसीलिए उठा ले। जिसे ऐसे विदा किया हो वो कैसे वापस आएगी? वो कहां पर रहती है? मैं अपने काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, समझ गई ना तुम? ठीक है। सुनिए, हाँ? ये वनिता की दुकान कहाँ मिलेगी? वो देखिए, वो सामने वाली है। वनिता, दो बिस्किट दे दे। हम तो बाजार गए थे लेकिन कुछ मिला ही नहीं, तब तक बाजार बंद हो चुका था। आपको क्या चाहिए बताइए, मैं जल्दी से ले आती हूँ। मैं नंदीग्राम कोटला से आया हूँ। तो मैं क्या करूँ, आपको जो चाहिए वो बताइए, मैं ले आती हूँ। तुम्हारा ही नाम वनिता है ना? हाँ मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे भाई उदय के घर से आ रहा हूँ। मैं किसी उदय को नहीं जानती हूँ, मेरा कोई भाई वाई नहीं है। मुझे तुम्हारे भाई ने नहीं भेजा, मुझे तो तुम्हारी माँ ने मिलने को कहा था। मेरी माँ ने तुमसे मिलने के लिए कहा, पर मैं तो नहीं मिलना चाहती ना, ऐसे नालायक लड़कों को जन्म दिया, उसे तो भुगतना ही चाहिए। खैर छोड़ो, आखिर तुम इस गांव में क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हारा? अरे क्या देख रहे हो, जवाब तो दो। दूर का रिश्तेदार हूँ, तुम्हारा भाई लगता हूँ। अपनी ये बकवास बंद करो, मेरे पहले से ही दो दो भाई हैं, और देखो हाल क्या है मेरा। अब तुम कौन से भाई का रिश्ता निभाने आए हो यहाँ? ए, क्या बकवास कर रही है उसे, समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन तू है कि सुधरेगी नहीं, पता नहीं किससे पाला पड़ गया मेरा। ठीक है अपने काम में ध्यान दे, मैं जाकर आता हूँ। आप सच में बहुत अच्छे हो, आपको मैं शुक्रिया कैसे कहूँ?
मुझे मामा बोलकर। छोड़ो मेरा हाथ, नहीं चाहिए। ये भी ले लो और ये भी। अरे रुक जाओ, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? मुझे मेरे मामा अच्छे नहीं लगते, मैं इतनी बड़ी हो गई, पर मेरे बड़े मामा आज तक मुझे देखने नहीं आए, और मेरे छोटे मामा उनको घर से निकाल दिया और वो घर छोड़ के चले गए। जब मेरे छोटे मामा आएंगे तो वो मेरे लिए झुमके लाएंगे, मेरी मम्मी ने बताया। लेकिन मेरे बड़े मामा वो बुरे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसलिए जब अपने खुद को मामा कहा मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, छोड़ो ये मामा, मामा हम दोस्त हैं अब, ठीक है? माँ, मैं इनसे दोस्ती कर सकती हूँ? तो आज से आप, मैं, मम्मी, पापा सब दोस्त हैं। ठीक है। तेरे पापा के मरने के शौक से तेरी माँ भी मर जाती, तू कभी ना कभी वापस आएगा? इसी उम्मीद में वो आज तक जिंदा है, एक बार तुझे देखने के लिए तरस रही है। तू तो उनसे मिला था ना, फिर उनको बताया क्यों नहीं कि तू उनका बेटा है? तुझे क्या लगता है तेरी बहन इस गांव में तेरे बाप के पैसे और जायदाद के लिए जी रही है? अरे तू कभी ना कभी वापस आएगा इस आस में जी रही है तेरी बहन बेवकूफ। तू वहां गया भी, तू उससे मिला भी, लेकिन ये नहीं बताया कि तू उसका भाई है। बता इधर तू किस लिए आया फिर? हे, बंगले में महारानी की तरह रहने वाली मेरी माँ मेरी वजह से फकीरों की तरह तबेले में पड़ी हुई है, और तू चाहता है कि मैं जाकर बेशर्मों की तरफ? सच बताऊ, नाजों से पली मेरी बहन दर दर भटक रही है, ठोकरे खा रही है, उसे किस मुंह से बताऊं कि मैं उसका भाई हूं? जिस दिन उस घर में मैं फिर से अपनी मां को महारानी बना दूंगा ना, उस दिन बताऊंगा कि मैं उनका बेटा हूं। जिस दिन अपनी बहन को सारी सुख सुविधाएं दिला दूंगा, उस दिन बताऊंगा कि मैं उसका भाई हूं। जो जिम्मेदारी मेरी है उसे मैं पूरी निभाऊंगा। उनसे छीनी हुई जगह उन्हें लौटा कर ही पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। तेरे पिताजी की मौत ऐसे ही नहीं हुई थी। चुप, क्या बोल रहा है? चुप हो जा। क्या मतलब? तेरे पिताजी की। चुप कर यार, क्या हुआ था उन्हें? बोल। उनकी मौत की वजह तुम्हारा भाई है। हुआ था? सच बता, हुआ क्या था? बोल ना, बोल, हुआ क्या था? किसने किया? बोल। क्या बताऊं मालिक, मेरी बेटी के साथ आपके बेटे ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, अब तो हमें वो दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। रुकिए मालिक। नालायक कमीने, ये क्या किया तूने? पहले गांजा पीता था, फिर दारू पीने लगा, और आज एक लड़की से मुकाला करने की कोशिश की। तूने हमारे मुंह पे कालिक पोत दिया, इससे अच्छा होता पैदा होते ही मर गया होता। अब तो मुझे शक हो रहा है कि तू मेरा बेटा ही है ना। ऊपर क्यों भड़क रहे हो? क्या क्या माँ से पूछो ना, सब पता चल जाएगा। मालिक, ये क्या कह दिया? मालिक खुद को संभालिए, संभालिए। वो देख, तेरा भाई अपने लोगों के साथ जा रहा है। एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब Hey, पकड़ो इसे। Hey!
स्टेशन, एमएलए के घर में गुंडे घुसकर सबको मार रहे हैं, जल्दी आइए मुझे बचाइए। कौन है तू? ए, है कौन तू? मेरा बेटा ये ना? ऊपर क्यों भड़क रहे हो? जाके माँ से पूछो ना, सब पता चल जाएगा। क्या कहा था तूने? मैंने क्या कहा? याद कर। पता है चिट्ठी में क्या लिखा है? कि तूने मेरी पत्नी का बलात्कार किया है और उसने आत्महत्या कर ली। तुमने कोई सबूत नहीं छोड़ा कि तुम्हारी वजह से वो मरी है, पर ये चिट्ठी ही एक सबूत है। ए, ए, तेरी पत्नी का नाम क्या है? अगर ये चिट्ठी पुलिस के हाथ लग गई ना तो। हाँ सर, मैं आ गया हूँ। बताइए, हमारे रहते किसने मारा आपको? मैं ही हूँ वो, गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं, इसने नहीं मारा, ये तो मजाक कर रहा है। नहीं, मैंने मारा है, मैंने मारा है। अरे तुमने कब मारा? झूठ मत बोलो यार, इसने नहीं मारा। जब मारने वाला मान रहा है तो परेशानी क्या? अरे तुमने कुछ बताते क्यों नहीं? आप हमारे भैया महान है, महान। अपनी पोस्टिंग करवा लीजिए राजस्थान। अरे मेरी छोड़, तुझे ये चोट कैसे लगी? अरे आप दिमाग इस्तेमाल ना कीजिए, हमने खुद को मारा है, खून निकला है, आप जाइए यहाँ से। अरे पुलिस वाले, मैं बोल रहा हूँ ना, चल जाओ। ओके सर। तुझे क्या लगता है, पुलिस चली गई तो तू बच गया? मुझे कोर्ट नहीं पता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जानता हूँ मैं। हर अदालत का दरवाजा खड़खड़ाऊंगा, ये चिट्ठी तुझे नर्क तक पहुँचा के रहेगी। नहीं, अब मुझे समझ में आया कि तेरा असली मकसद क्या है। बोल, इस चिट्ठी का तुझे क्या चाहिए? दो, चार, छः। अरे इसके साथ तोल मोल मत कीजिए, इसको राउंड फिगर 10 कर दीजिए और भगाइए। सही बोला। ए, तू जा जल्दी लेके आना। अरे रे, अच्छा बात सुन, इस चिट्ठी की कीमत तो जरूरत से ज्यादा ले रहा है। अरे रे, ए, तू इतने कम रुपए इसमें लेकर क्यों आया? अरे 10 लाख कच्चे के जेब में थोड़ी ना लाते, इसलिए। अबे 10 लाख लेकर आ गया क्या? ला इधर दे। चिट्ठी चाहिए तो 10 लाख देने ही पड़ेंगे। बोल, ये चाहिए या ये? ऐसा सोच ले, ठीक से सोच ले। चल अब चिट्ठी तो दे दे। सोच अच्छी है। अबे ये तो कोरा कागज है। देखो पीछे से नहीं टोकते, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। तो रॉकेट बना के उड़ा दे, मुझे नहीं मालूम। अबे तेरी तो। ये जी, आप कहें तो पुलिस को फोन करके बुला लूं। पुलिस को फोन करूंगा ना तो वो मुझे एमएलए उदय नहीं कहेगा, पागल उदय कहेगा। समझ बात पर तू बे। सिर्फ 10,000 लाने थे और तू 10 लाख लेकर आ गया। 10,000 लाते तो उसमें आपकी इज्जत निकलती, आपकी इज्जत के मुताबिक 10 लाख लाना पड़ता है। बताओ। ये तो रजामंदी की बात है, अगर आपको मंजूर है तो साइन कीजिए और पैसा ले लीजिए। ठीक है, मैं साइन करता हूँ। क्या रे, एक हाथ टूटे से खुश नहीं है, दूसरा भी तोड़ूं क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इन्हें आपकी फैक्ट्री का रास्ता नहीं पता था, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ छोड़ने आ गया। क्या कह रहा है, उदय की फैक्ट्री का रास्ता कौन नहीं जानता बे? तू यहाँ कैसे पहुँच गया? अपना झगड़ा तो क्लाइमेक्स तक चलता रहेगा, पहले इनको निपटा लेता हूँ। अबे तेरी तो। अरे भैया बात को समझो, अगर ये कह रहा है तो इसकी बात हम सब सुनना चाहेंगे। बोलने दो उसे, बोलने दो। नमस्ते 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 अंकल जी।
आप जो जमीन खरीद रहे हैं वो तो पुश्तैनी जमीन है। इस नालायक का एक लायक छोटा भाई है, उसका दस्तखत तो पेपर पे है नहीं। कल को अगर वो वापस आया और उसने दावा किया कि वो जमीन उसकी है तो आपका तो नुकसान हो गया ना। चलो एक काम करता हूँ, मैं बताता हूँ कि अगर उसका भाई वापस आ गया तो वो कैसे बोलेगा, ठीक है। अबे सफेदी की चमकार, मेरे बाप की जमीन तूने अपने बाप की जमीन समझ के कैसे ले ली है? क्या समझता खुद को? अरे ये जायदाद हमारी भी नहीं है, ये हमारे बाप के बाप के बाप की है, समझा? सिर्फ इसके दस्तखत से जमीन नहीं बिक सकती, मेरे भी दस्तखत चाहिए। मेरी जमीन हड़पने वाले के हाथ काट दूंगा मैं। एक कोताला, चुपचाप खड़े रहे, आज तेरा हाथ काट दूंगा। अंकल जी, अंकल जी, देखा अगर इसका भाई वापस आ गया तो आपका हाथ काट के दूसरे हाथ में रख देगा। इस उम्र में आप एक हाथ से कैसे काम चलाएंगे, तकलीफ हो जाएगी। इस लालची आदमी का शिकार आप मत बनिए। अरे ये तो हीरो की तरह डायलॉग बाजी कर रहा है। तू चोंच बंद कर। नहीं नहीं, रिक्शा चलो, बहुत हुआ, फटाफट पैसे निकालो। साथ में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, पैसा निकालो फटाफट। तुम्हारा भाई? अबे कितनी बार कहूंगा, मेरा भाई मर गया है। इस बात का कोई सबूत है कि आपका छोटा भाई जिंदा नहीं, मर चुका है? आपके कहने से कुछ नहीं होगा, कानून को सबूत चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। इन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर आपके छोटे भाई के साइन नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। ऐसा तुम्हारा कानून बोल रहा है क्या? सब सुन लो, आने वाली 15 तारीख को पूर्ण अमावस्या है, उस दिन मैं यह जायदाद बेच दूंगा, उसके बाद तेरा कानून जो करना चाहे वो कर ले, चल। भाई साहब, यही आपका फैमिली फोटो है ना? अरे नहीं भाई, मेरा छोटा भाई मेरे साथ रूम शेयर करता था, हमेशा इस फोटो को देखकर रोता था, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे जाओ फोटो पाजी को दिखा। पाजी। अरे मुन्ना, मुन्ना, अरे मुन्ना, तू यहाँ अपने बाप की समाधि पे रो रहा है, वहाँ तेरा बड़ा भाई तेरी मौत पे शोक मना रहा है। मेरे मरने का? हाँ। किसी लावारिस लाश को तेरी लाश बताकर गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है, जिससे सच मानकर तेरी माँ और बहन मातम मना रही है। मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, यही सही मौका है, जाके बता दे कि तू ही मुन्ना है। नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया जब सबको सच का पता चले, सही वक्त आना बाकी है। तो सही वक्त कब आएगा? वो कभी ना कभी तेरा चेहरा जरूर देखेगी, इसी उम्मीद में तेरी माँ अब तक जिंदा है। अब वक्त आ गया है उन्हें सच बताने का, और देर मत कर मेरे भाई, वो और कितना दुख सहन करेंगी। देख भाई, माँ को सच बता दे। ठीक है बेटा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे अमेले साहब, आपका भाई जिंदा है, किसी ने आपको बेवकूफ बनाया, वो नहीं मरा है, आप इतना उदास मत होइए। मेरा यकीन कीजिए, आपका भाई कहीं नहीं गया, यहीं है। क्या ये नाटक? प्यारे भाई उदय, मरने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुमसे जुदा हुए मुझे पूरे 15 साल हो गए हैं। मैंने तो अनाथों की जिंदगी जी है, अब मैं अपनी जायदाद को चाहता हूँ कि अनाथ आश्रम को मिले और अनाथ बच्चों की अच्छी तरह से पूरी देखभाल की जा सके। गांव वालों को भी मुझे कुछ कहना है, ये मेरे गाँव वालों की जिम्मेदारी होगी कि मेरी जायदाद अनाथ आश्रम के नाम करके उन्हें सौंप कर तब मेरा क्रियाक्रम किया जाए, तभी मुझे शांति मिलेगी। आपका छोटा भाई मुन्ना। तो इंतजार किस बात? मेरी जायदाद को छू भी नहीं सकता। कौन दिन क्रिया नहीं होगी? अरे ये तो मेरा भाई है ही नहीं। अभी तक तो भाई था, अब इनकार कर रहे हो? अरे अरे बताना उनको, बता। गाँव वालों मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। एक मुर्दे को अपना भाई बताने का प्लान उदय जी का था, और ये फोटो भी मेरे हाथ में इन्होंने दी थी, मगर इतना बड़ा लफड़ा हो जाएगा ये मुझे पता नहीं था। तुम्हारा कसूर क्या है? हाँ, माँ को तकलीफ दे रहे हो, मुझे तकलीफ दे रहे हो, और वो भाई जो पता नहीं कहाँ है उसे भी तुम खींच के ला रहे हो। तुम भैया को मरा हुआ देखना चाहते हो, है ना? सच बताओ। मुझे हुक्म देने वाला तू है कौन? जबान चल रही है तेरी? मैं मर गया क्या? बता ना, मैं मर गया क्या? तेरे सामने जिंदा हूं। तेरा भाई मर गया, तूने ये बात जाकर सबको बताई, मुझे क्यों नहीं बताई? अबे तू है कौन जो मुझसे सवाल कर रहा है? तुझे आराम से जीना है ना, तो मुझे बताया कर,
भाई का डेथ सर्टिफिकेट होगा तभी तो उसकी प्रॉपर्टी बेच पाएगा, इसीलिए दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी लेकर आ गया। ये खबर तो मुझे पहले से ही पता थी, इसीलिए तेरे भाई के दोस्त से उसकी नोटबुक लेकर एक घंटे में मैंने उसकी हैंडराइटिंग सीख ली। पहले प्लान बताता तो कुछ पैसे लेकर छोड़ देता तुझे, अब आगे ऐसा कुछ करने का इरादा हो तो मुझे जरूर बता देना, आखिर हम दोनों एक ही हैं। समझे भैया? अरे भैया, हमारे भैया एमएलए के चुनाव में खड़े हैं, इस 14 तारीख को चुनाव है, जरूर आना। उदय भैया जिंदाबाद, यहाँ पे साइन कर दीजिए। भैया उदय, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए तुम इस पे साइन कर दो। अरे बुढ़ाओ, जब मेरी सास आती है तभी मेरा अच्छा मुहूर्त होता है, अगर पहले साइन कर दिया तो वो मेरा मुहूर्त खराब कर देगी। माताजी सासुमा आ गई है, अब साइन कर दो, आशीर्वाद दीजिए सासुमा। सुनिए दामाजी, इस इलेक्शन में भी आपको ही जीतना होगा। कहने की क्या बात है, इनकी जीत होना पक्का है, ऐसा ही तो होता आया है। ये पैसा फेंकते हैं, तमाशा देखते हैं, जीत जाते हैं। इनके सामने आज तक कोई नहीं टिका, बड़े से बड़ा उम्मीदवार हार गया है। हाल ये है मैडम कि अब तो कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है ये जरूर जीतेंगे। तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो रही है? कोई शक? तुझे अपनी औकात पता है कि नहीं? राजनीति की एबीसीडी भी आती है तुझे? ए सुन, लाखों रुपए खर्च करके मुझे जिताने के लिए मेरी सासू माँ मेरे पीछे खड़ी हुई है, तो किसके बल पर लड़ रही है? ए सुन, मैं तो ठहरा खानदानी अमीर और ये प्लेटफॉर्म की भिखारन। ये बात तो पुरानी हो गई, तो नया क्या है? लखपति बहना, जरा दिखाओ कितना रोकड़ा है तुम्हारे पास। इसमें लाखों रुपए हैं, तुम तो जानते ही होगे। अरे क्या बकवास कर रहे हो, कौन बनेगा लखपति गेम चल रहा है क्या? मैंने खुद अपने हाथ से इसमें 10 लाख भरे हैं, अगर एक रुपया भी कम हुआ ना तो हमारा नाम बदल लेना। ए, तुझसे कुछ पूछा क्या? तो चुप बैठ। ए, ये पैसा मेरा है। ए, नहीं था भैया। बहना चलो अंदर जाके जल्दी से साइन कर लो। आज नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मेरी बहन इस क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रही है, मैं चाहता हूँ कि आप सब अपना वोट देकर उसे ये इलेक्शन जिता दें। देखो बेटा, ये पराई हो चुकी है, हमारे गांव की रही नहीं, उम्मीदवार हमारे गांव का हो तो हमें यकीन होगा कि वो हमारे लिए काम करेगा, फिर भी मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं, भला भगवान किसे मना करते हैं, लेकिन उदय जी का हारना नामुमकिन है। लाइए दीजिए, मैं आपके लिए पूजा करता हूं। क्या फायदा हुआ मुझे बता। वनीता अपनी छोटी सी दुकान में बहुत खुश थी, एक तो तूने उसकी दुकान बंद करा दी, ऊपर से तूने उसे पॉलिटिक्स में लाके खड़ा कर दिया। अब हमारे गांव वालों को देखो, ऐसा कोई नहीं है जो हमें वोट देने के लिए तैयार है। सब बेकार है, ऐसे घर घर जाकर वोट मांगने से कुछ नहीं होने वाला। तो क्यों ना नाम वापस ले लें? हाँ सही कहा, कम से कम पैसे तो वापस मिल जाएंगे। गांव वालों से सीधी तरह से वोट तो मिलेंगे नहीं, इसलिए एक और प्लान। कौन सा है? पता चलेगा। अरे नौटंकी छोड़िए, फोटो का कोई फायदा नहीं होगा, वहाँ पे रजनीकांत आपकी बहन के लिए वोट मांग रहा है। ए, रुको रे, क्या कहा रजनीकांत? हाँ सारे सुपरस्टार गांव में आए, ऐसा लग रहा है गांव में शूटिंग चल रहा है आपकी बहन को जिताने के लिए। अरे ये तो क्या फालतू के बकवास कर रहा है, डुप्लीकेट से वोट मंगवा रहे हैं। हाँ तो ऐसा बोलना, उन्होंने डुप्लीकेट मंगाया ना, हम ओरिजिनल मंगवाएंगे। ए टकलू जी। भैया आज की सुपरस्टार हीरोइन कौन सी है? अरे और कौन, नयनतारा जी। तो देर किस बात की, बुलाओ।
ये क्या हो रहा है? मुझे ताते ताते करके कहाँ जा रहा है? बोल। तारा को देखने जा रहा हूँ बेटा। नयन तारा को? अरे मुझे उसी को देखना है, किसी और को नहीं देखना है। मुझे जवानी कहीं नहीं तेरी। तू देख रहा है ना, सब हीरोइन के पीछे भाग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई नहीं आएगा। लगता है उदय हमारी वनिता को हरा के ही मानेगा। चलो चलो जाने दो, शूटिंग छोटी करते हो, शूटिंग शुरू करो ना। मैं यहाँ पैसा बैग में लेके घूम रहा हूँ, और वो डायरेक्टर का है, दिख क्यों नहीं रहे? सर सर आ गया मैं। कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। कैमरा रेडी, कैमरामैन टोपी चश्मे के साथ रेडी। सब क्या नाटक है, सब कुछ रेडी और हीरो का अता पता नहीं है। मैडम आपके लिए खास पंखा। चला चला ठीक है नैना जी, देखना हम सब पंखे को ही वोट देंगे। अरे नैन तारा को आपने बुलवाया, लेकिन सितारा उसका चमका। तेरी तो पता कर आखिर कौन है वो, मेरे सामने लेके उसे। खा खा कर मोटे होते जा रहे हो, बस पता चला कौन है वो? भैया जी उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। उस दिन वो जैसे आया था, रेप करके उसे मार दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। ये तो पता है उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन कौन से गांव से वो नहीं ना पता है। आखिर वो है कौन, ये बात मैं किसी भी हाल में जान कर रहूंगा। एक्सक्यूज मी, मुन्ना कहाँ है? अरे कौन मुन्ना, कैसा मुन्ना? कोई मुन्ना नहीं है। क्या मुन्ना यहाँ नहीं रहते? दाता तू ना करें क्या? कहाँ से आई हो तुम? चेन्नई से। ए, मैं सोचकर परेशान था कि तू है कौन, लेकिन अब मैं तेरी असलियत जान गया हूँ। तूने मुझे बहुत परेशान किया। इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे पहले से ही पता था कि तू मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है। अब मैं तेरी पूरी कुंडली जान गया हूँ बेटा। माफ करना, हम लोग मजबूर थे, इसीलिए बताना पड़ा। इस नाजुक लड़की पर जुल्म हो, ये हम नहीं सह पाते, इसलिए तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अगर हम लोग नहीं बताते तो ये हमारी जान भी ले सकते थे। अरे लड़के, मुन्ना का 15 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है, यह हमारे भैया उदय भैया का घर है। चेन्नई से आ रहे हो ना? शिवकाशी तो है ही, मुन्ना कहाँ से आ गया? वो कहाँ से आया पता नहीं, उसने भैया की खेती खराब कर दी, अब तुम लोग यहाँ गन्ना बोने आए हो। राज बताए तो फंस जाएंगे। ए, बोल कौन है तू? मैं शिवकाशी के लवर हूँ। शिवकाशी की लवर? ए, पकड़ो सबको। नहीं नहीं नहीं, फिर दोनों बिछड़ गए। मुझे पता चला मुन्ना का गांव यही है, इसलिए हम यहाँ पर चले आए, क्योंकि मुन्ना बिना बताए यहाँ पर आ गया। मुझे तूने बेवकूफ समझ रखा है क्या? अपने भाई के दोस्त को बुलाकर मुझे नीचा दिखाएगी तू? 5 मिनट का वक्त है तेरे पास, उससे पहले से गांव से बाहर निकलवा दे। निकाल दे इसे, निकाल दे इसे। बस बहुत हुआ, तुम इसे जानते हो ना, अगर हिम्मत है ना तो हाथ लगा कर दिखाओ। अरे रे रे रे, रस्सी तो जल गई है लेकिन तेरी अकड़ फिर भी नहीं गई है। अभी निकालता हूँ इसकी चर्बी। ए! चल बढ़िया, ए, इसे जाने को बोल, जाने को बोल। छोड़ दो भैया। अरे बोल ना। भैया माँ को छोड़ दो। अरे 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 हटा इसे, अरे अरे हाथ जाएगा मेरा। सुन ले, तेरे खिलाफ तेरी बहन खड़ी है और उसके बीच में मैं दीवार। अगर माँ जी को इस सब के बीच में खसीटा ना तो फाड़ के रख दूंगा। मत मारो।
छोड़ दो। अब बस नहीं करो, मैं कहती हूँ इसे जाने के लिए। ये लो और जाओ यहाँ से, निकल जाओ, चलो जाओ, दफा हो जाओ। दोबारा शक्ल मत दिखाना प्लीज। मैं अपनी माँ को इस हाल में नहीं देख सकती। मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ए बुढ़िया को गाड़ी में बिठा रहे। और सुन, कल सुबह की पहली बस से तू अपने गांव वापस जाएगी, वरना तुझे अपनी माँ का क्रियाकर्म देखने के बाद ही वापस जाना होगा। चल गाड़ी निकाल रहे। मनीता, अब यहां नहीं रहेंगे। खुद देखिए क्या हाल करके रखा है मेरी माँ और बहन का। जिस माँ की कोख से उसने जन्म लिया है उसी को भूखा रखता है। इतना गिरा हुआ इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वो माँ का भी बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं, वही अपनापन होता है। मैं उसकी तरह जिंदगी नहीं जी सकता, अच्छे इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। अपनी माँ बहन से 15 साल तक दूर रहकर तड़पा हूँ, इस बात का एहसास मुझे तुमने ही दिलाया था। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझ पे विश्वास रखो, तुमने जैसा कहा है वैसे ही तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी पत्नी को जिताना चाहते हो? हाँ, चाहता तो वही हूँ। तुम यहाँ रहोगे तो वहाँ तुम्हारी बीवी जीतेगी। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते आप यहीं पर रहेंगे। ये उदय एक बहुत बड़ा पेड़ है और मेरी बहन एक छोटा सा पौधा, कोई बराबरी नहीं हम में। उसकी हैसियत ही क्या है जो खुद कंगाल है। जाके उससे पूछो कि तुम्हारा पति कहाँ पे। अरे वो मेरा मुकाबला क्या करेगी जिसे राजनीति के बारे में कुछ पता ही नहीं, इसीलिए उसे। कहा था ना गांव छोड़कर जाने के लिए, तो हम तो जा रहे थे ना। चुपचाप बता मेरा पति कहाँ है। अरे क्या बकवास कर रही है तू? किसने तेरे पति को अगवा किया है? तुमने किया है। मैंने? तुमने मेरे पति को किडनैप किया। मैंने किडनैप नहीं किया, चल जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं आज, पहले मेरे पति को तरह से जा। मैं कहता हूँ जा यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मुझे भाषण देना यहाँ पर, तुम यहाँ से जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं जाएगी तू, नहीं जाएगी तो तेरा इलाज अभी मैं करता हूँ। ले जा यहाँ से, जा, चली जा यहाँ से। आइए सासू माँ, कुर्सी पर बैठिए। चुप कर, मुझे नहीं चाहिए तेरी ये कुर्सी वुर्सी। ए, पहले बताओ उस लड़की को क्यों मारा? मैं अपना गुस्सा संभाल नहीं पा। क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने ये सोचा था तू एक अच्छा इंसान है, इसीलिए तुझे इलेक्शन में खड़ा किया, पर तूने पकड़े से। अरे पकड़ ना। अरे सासू माँ, मार मुझे। अरे मार ना। अरे नहीं नहीं सासू माँ, अरे सुनिए तो, किडनैप किसी और ने किया और इल्जाम मुझ पर लग रहा है। अरे बंद कर अपनी बकवास, न्यूज में तेरी वीडियो चल रही है, तू नहीं तो तेरा भूत था। अगर तूने ये सब ठीक नहीं किया ना, तो याद रखना जिस सड़क से तुझे मैंने उठाया था ना, दोबारा उसी सड़क पे फिकवा दूंगी। इस बार भी तुझे इलेक्शन में खड़ा किया है, तू एमएलए बनके राज करे इसलिए नहीं, मेरी बेटी एमएलए की पत्नी कहलाए इसलिए। अगर तेरी वजह से मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ तो गांव के सामने चप्पल से मारूंगी। इस बार तू नहीं जीता ना तो कसम खाती हूँ तुझे मैं इस गांव में नहीं रहने दूंगी। अब तक तूने मेरा प्यार देखा, तब तू मेरा गुस्सा देखेगा। निकाल रे गाड़ी। टकले, ये औरत मेरी इतनी बेइज्जती कर गई और मैं एक लफ्ज नहीं बोला, यही सोच रहा ना तू? यही सोच रहा हूँ।
इलेक्शन हो जाने दो। उदय का पहला काम इस बुढ़िया को रास्ते से हटाना होगा। ऐसा वो शिवकाशी फिर इस गांव में वापस आ गया है। आपको हराने के इरादे से वो घर घर में जाकर वोट मांग रहा है। ओए, तलवार दे रहे। अरे उदय जी मेरी बात तो सुनिए। रुकिए रुकिए, मैं कहता हूँ रुकिए। अबे बुड्ढे हट मेरे रास्ते से। मत भूलिए, आपने अपनी बहन को मारा है, उसके बारे में सब जानते हैं। ऐसे में अगर तुमने कोई मारपीट की तो केस बन जाएगा, और ऐसे हालात में जब चुनाव चल रहे हैं आप यकीनन हार जाएंगे। फिर से सोचो, बदला बाद में भी लिया जा सकता है। वनिता, अपनी सच्चाई सबको बता दो। मुझे मेरा पति चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज मेरा पति ले आइए, बचा लीजिए उन्हें। हेलो, पता नहीं वो कहाँ है। बहनों, फोन। हेलो, क्यों रे, पति गुम हुआ बोल के पब्लिक में रो रही है? उदय क्या चीज है, ये तेरे दिमाग में आया कि नहीं? बता दो मेरा पति कहाँ है, तुम लोगों ने उन्हें कहाँ छिपा के रखा, बता दो। एक सेकंड स्पीकर पे। ऐसे मुकाबला करेगी तू? चुपचाप अपने पति को गांव से लेकर चली जा, वरना इलेक्शन से पहले ही तेरे पति को फूंक दिया जाएगा। यही देखना चाहती है क्या तू? मुझे सिंदूर की जगह पति की राख लगानी पड़ेगी। इस गांव में उदय के अलावा किसी को वोट नहीं मिल सकता। आप यहाँ है तो माइक पे कौन बोल रहा है? अरे भाई, आप यहाँ है तो वहाँ कौन बोल रहा है? हूबहू आपकी आवाज में। अरे वो मीटिंग नहीं होनी चाहिए, सबको मार के भगा दो। हाँ, चलो चलो। मुझे तो मैं उसे बताती हूँ कि उरे नालायक, कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ी है तुझे। हाँ, बोलेंगे नहीं तुझे, समझ ले? हाँ, बता देती हूँ मैं। मुझे बुलाया आपने? ए, दरवाजे बंद करो, ये भागने न पाए। देख रहा है मेरी हालत? उन लोगों ने मुझे गोबर से नहलाया है। अगर उनका बस चलता तो मेरे मुंह पर कालिक पोत कर मेरे सिर पर अंडा भी फोड़ते। जानते हो मैंने ये क्यों बर्दाश्त किया? क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारी बीवी है, लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम ये इलेक्शन हार जाओ, वरना जो हाल मेरा हुआ है वही हाल तुम्हारा होगा। खंबे से बांध के तुम्हें बम से उड़ा दूंगी। जिसे मारना है मारो, जिसे बर्बाद करना है करो, चाहो तो पूरे गांव को आग लगा दो, पर याद रखना, इलेक्शन में हारना नहीं। अगर तुम हारे तो जैसे उन लोगों ने मुझ पर गोबर डाला है, बिल्कुल उसी तरह तुझ पर पेट्रोल डालकर जलाकर राख कर दूंगी। जीतने के लिए पैसों की नदियां बहा देना, लेकिन हारना मत। ए, गाड़ी निकालो। हमारी नेता, नेता। कोई घर में है क्या? हमारी नेता, हमारी नेता, नेता। क्या आप इसी गांव की हैं? ये घर कोई दूसरे गांव में आता है क्या? ये घर इसी गांव में आता है। तो मैं भी इसी गांव की हूँ। लेकिन आप तो किसी शहर में रहती।
आप यहाँ पर क्यों आए हो? हम वोट मांगने के लिए आए हैं यहाँ पे। वोट? वो कैसे देते हैं? आपको नहीं पता वोट कैसे देते हैं? नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ। वोट देने से पहले उंगली पे एक निशान लगाया जाता है। कौन सी उंगली पकड़कर निशान लगाते हैं? ये वाली उंगली पकड़ते हैं और इस पे निशान लगाते हैं। अरे बाप रे भैया, मैं तो लुट गई। मेरी बहन चिल्लाती क्यों? कौन अत्याचार कर रहा है? ये कौन है जो तुमको रुला रहा है? अरे बहन, रो क्यों रही हो? पूरी मंडली जमा। अरे मुन्ना, ये क्या ड्रामा चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ, मुझे बताओ तो। भैया, इसने मुझे यहाँ पर छू लिया। हाथ पकड़ लिया। तुम दानव, राक्षस, असुर, विनाशकाले, विपरीत बुद्धि, मदर सिस्टर नहीं है क्या? अगर तुम्हारी मदर सिस्टर होती तो क्या तुम? एक खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तुझे पाप लगेगा। मैं तो सिर्फ बता रहा था कि वोट कैसे देते हैं। हाथ से बाहर रहती है। नहीं, उंगली तो हाथ के साथ। तूने इसका हाथ क्यों नहीं पकड़ा? गलती हो गई, हाथ ही पकड़ लेता हूँ। मेरा हाथ कहाँ पर है? अरे क्या मुसीबत है, हाथ तो शरीर का हिस्सा है ना। तो मतलब तुमने इसका हाथ पकड़ा? देखो, जल्दी से माफी मांग लो, तभी तुम्हें ये चार वोट मिलेंगे। माफी मांगू? चल, माफी तो मांगनी है, वोट का सवाल है। हाँ भाई, मांग लो ना, चार वोट का सवाल है। वोट के लिए कुछ भी करेगा हमारा मैन। यहाँ तो माफी से ही काम बन रहा है। मांग लो, मांग लो, जल्दी से मांग लो। ये ब्लैकमेल करने वाले वोट ना मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। एक भाई, वोट की जरूरत हमें नहीं, तेरी बहन को है। कम से कम उसके बारे में तो सोच। मांग ले। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। तुम क्या बड़े नेता हो, माइक पे बोल रहे हो माफी मांगो? अरे यार, इतनी छोटी सी बात मान ले यार। ठीक है चलो, माफ करो। सड़क पर खड़े हो, भिखारी हो क्या? अंदर आकर माफी मांग लो। हाँ, माफी में कोई कमी रह गई क्या? अरे बाहर क्या कर दिया, समाज से बाहर कर देगा। तो फिर दो वोट में काम चलेगा? डुप्लीकेट वोट। भैया ठीक से खाना, शर्माना मत। अरे ये अचानक लड़ क्यों रहे हैं? हम खाना खा रहे हैं। अरे झगड़ा ही लगे, देखिए ना क्यों लड़ रहे हैं। अरे कुछ बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? इन लोगों को रोकिए ना। रुक जाओ रे। सुनिए, क्या हुआ था, ये लोग लड़ क्यों रहे थे? ये लोग लड़ नहीं रहे थे, वो साला मेरे जीजा के साथ घूम रहा है, शिवकाशी। वो तो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है ना, उसी ने मारा इन्हें। ये क्या कह रहे हैं? शिवकाशी ने तुझे मारने की कोशिश की, ये सब नमक हलाल है इसलिए इन्होंने रोकने की कोशिश की। जैसे इन्होंने रोका तो उसने बहुत मारा। अरे कट करना। मैं कुछ समझी नहीं। अब इसके बाद शिवकाशी ने तुझे मारा या नहीं, ये तो क्लाइमैक्स है। अरे तकले बंकर, अब क्लाइमैक्स मैं तुझे बताता हूँ। ये समझ ले कि मैं ही शिवकाशी हूँ, और ये है चाकू जिससे शिवकाशी उदय की पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े कर डालता है। जिसे मारना है मारो, जिसे बर्बाद करना है करो। उन लोगों ने मुझे गोबर से नहलाया है, हारना नहीं। बात यह नकामिनी कि तेरे मरने से मुझे बहुत फायदा होगा, मुझे बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे ना। मुझे मत। अरे नहीं 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 नहीं, अब मैं सोच कर भी कदम पीछे नहीं ले सकता, क्योंकि हर गली में पोस्टर्स लगे हैं ना। ए भाभी को पोस्टर्स दिखा रहे। ए चल हटा पोस्टर, अब मैं तुझे। राम राम भैया। क्यों बे गंजे, फोन उठाया बात भी नहीं किया और रखा भी नहीं? ऐसे फोन चालू रखेगा तो कोई भी बात सुन लेगा ना। और वो बात सिर्फ मेरे कानों ने ही नहीं सुनी, सबने सुनी। तकदीर से मरने वाले को तो मैंने देखा था, पर आप बैल मुझे मार कहने वाले को पहली बार देख रहा हूँ। छोटे भाई, आई लव यू। देख कामिनी, मैंने सोचा था तेरे मरने पर पटाखे फोड़ूंगा, लेकिन अब पटाखे की जगह इस शिवकाशी को जलाऊंगा। क्या भैया, क्या बचपना है ये। हाँ
जय माता दी। मैं उदय की धर्म पत्नी ये होश आवाज में लिखती हूँ कि अब ये क्या है रे? केस में जो कुछ लिखा है मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ, किसी की जबरदस्ती में आके नहीं। मेरी जान को खतरा है और वो खतरा किसी गैर से नहीं, किसी अपने से ही है। अब एक क्या बकवास पड़ रहा तू? चलो पहले सुन ले। और वो कोई अपना है? मेरे पति परमेश्वर, MLA उदय, आपकी काम। साइन कीजिए। अरे जान बचाने के नहीं, साइन कीजिए ना। अरे अरे अरे, ये आपने क्यों ले लिया? गांव में आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? अरे पता नहीं, देखो ना, लगता है इसे किसी ने पूरा चला के राख कर दिया है। MLA उदय ने कहा था कि बगीचे में चिता जलेगी, ये शायद उसी का ही काम है। कोई ऐसा करता है क्या? उसका कलेजा नहीं फटा क्या? अरे ये तो वनिता के पति का लॉकेट है। छोड़ दो मुझे, खुद को संभालो बेटा। ए, हम तेरी बहन को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते, अब तो उसे सच बता दे। हाँ मुन्ना, यही तो मैं चाहता हूँ कि उसके आंसू बहते रहें और उसे सब लोग देखें। उसकी आंखों से निकलने वाले एक एक आंसू की हर बूंद हमें हजारों की तादाद या फिर लाखों की तादाद में वोट दिला सकते हैं। उसके बाद मेरी बहन कभी नहीं रोएगी। वनिता को विधवा किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चलो बहन, आज हम उसे जान से मार देंगे। चलो 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 भैया भैया सुनिए, पूरा गांव जला के रख दिया है, वो लोग आपको भी ढूंढ रहे हैं। जल्दी से छिप जाइए वरना वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ए, जल्दी पुलिस को बुला। अगर ये गुनेगार है तो उसका फैसला अदालत करेगी। पीछे हटकर बता लो, जज करना पड़ेगा। हाय मेरी गंजी टाट। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, तेरा बुरा टाइम। तू बस एक बार मेरे हाथ लग जा, गांव वाले मेरा पोस्टर जला रहे हैं ना, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। मैं तो नहीं मिल सकता, हो सकता है तुम्हारा जीजा मिल जाए। ए, क्या बकरा तू? जरा पीछे की तरफ आके देखना। ए, मुंह दिखाई कर। शटर डाउन। ए, मैं बाहर आ रहा हूँ। ए, तलवार निकाल रहे, जल्दी। अरे तू बाहर आया तो तुझे तंदूरी की तरह भून डालेंगे, मुझे अंदर आना पड़ेगा। दरवाजा खोल। अरे दरवाजा खोल ना। ए, अब बता कहाँ है वो? जीजा जी की इतनी याद आ रही है? अरे क्या मजाक कर रहा है, मुझे वो चाहिए। गांव वाले समझ रहे कि मैंने उसे मार के जला डाला है। अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसे गांव वालों के सामने ले जाऊंगा और फिर सारे गांव वाले मुझे वोट देंगे। बता कहाँ है वो? ठीक है तो इन पेपर्स पे साइन कर दे। क्या लिखा है इसमें? यही कि तू अपनी पूरी जायदाद अपनी बहन के नाम कर रहा है। इस पे साइन करेगा तभी जीजा अंदर आएगा। क्या बहन के नाम सारी जायदाद कर दूं? पहले सोचा था कि अपने नाम पे करवा लूं, फिर सोचा कि तेरा और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। फिर तू चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि मैंने जबरदस्ती तुझसे ये पेपर साइन करवाए, है ना? इससे अच्छा जिसका हक बनता है उसे ही मिल जाए। कैसा लगा मेरा आइडिया? साइन कर। देख क्या रहा है बे? साइन कर जल्दी। साइन करता है कि जीजा जी को सच में जला दूं। ए! ए, रुक रुक रुक, करता हूं। भाई ये जायदाद का मामला है, जरा सोच समझ के। हाँ ये खानदानी जायदाद है, इसमें सिर्फ मेरे साइन नहीं बल्कि मेरे भाई के साइन भी लगेंगे। उसके बाद ही यह जायदाद मेरी बहन के नाम पर हो सकती है। अब मैं क्यों साइन करूं तुझे समझ में आ रहा है? इससे उसको बेवकूफ बनाना। इसकी अच्छी तरह खातिरदारी करो, मैं अभी आता हूँ। ये ले अपनी जायदाद, जा यहाँ से। ज्यादा मारोगे तो मर जाएगा यहीं पर। पहले इसकी शक्ल गांव वालों को दिखानी है, उसके बाद इसे मारेंगे। भैया आपके जीजा की जगह हमको बांध दिया, बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर लगाया।
साल के लोकसभा के इलेक्शन में श्रीमती वनिता ने जीत हासिल की है। वनिता ने अपने भाई को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया है। पहली बार उदय की जमानत भी जब्त हो गई है। आज तुझे एक फैसला करना ही होगा, या तो मैं तेरे पति के दोनों हाथ काट दूं, या फिर उसका सिर उसके जिस्म से अलग करके चील कौवों को खिला दूं। जलाकर राख कर दूंगी। गाड़ी निकालो। आज पहली बार उदय की हार हुई है। अब मैं उस शिवकाशी को छोड़ूंगा नहीं। गाड़ी में पेट्रोल के कैंस डाल। एए, कहां है वो? कहां है शिवकाशी? हे भगवान, चल बाहर निकाल उसे। साहब, वो तो 2 दिन से घर ही नहीं आया। एए, चल रहे। और भी न पाए। माँ, मैं इलेक्शन जीत गई हूँ। ये लो, ये कपड़े पहन के तैयार हो जाओ। वनिता, मुबारक हो। सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो गई है। अब सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो? जानती है, उदय ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी छोटी बहन के नाम कर दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुन्ना की भी तो साइन चाहिए ना। मुन्ना आ भी गया और उसने साइन भी कर दिया। क्या कह रहे हो? मेरा मुन्ना आ गया? ये आवाज सुनाई दे रही है? वो बैंड बाजे के साथ आप ही से मिलने आ रहा है यहाँ। माँ जी, आपका बेटा आज पहली बार आ रहा है। आरती की थाली तैयार करो। एक मिनट भाई, आपका भाई मुन्ना आ गया है। क्या बोला? मुन्ना आया है? सुना आपने, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करके सब कुछ बहन के नाम कर दिया। ए, चल रहे जल्दी। मामा। छोटा भाई हूँ। मैंने तो तुझे पहचान लिया, पर अब तुझे और कोई पहचान नहीं पाएगा। मेरे साथ गेम खेल रहा था तू, अब मैं तुझे दिखाऊंगा खेल कैसे खेलते हैं। ए, पेट्रोल लाओ रे। अरे, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा भाई है। डाल दो इसको। छोड़ो मुझे। ऐसा बस करो, ये क्या कर रहे? सुनो, उसका सिर काट कर यहाँ लाओ। इन सबको भगाओ यहाँ से। मुन्ना, चाहे कुछ भी हो जाए, आखिर वो तुम्हारा बड़ा भाई है। उसे बचाना तुम्हारा फर्ज है। जाओ, उसे बचाओ। ऐसे खड़े क्यों हो मुन्ना? जाओ, उसे बचाओ। भैया, भाई को बचा लो भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अगर आज तेरे बड़े भाई को कुछ हो गया ना मुन्ना, तो तुझे माफ नहीं करूंगी। आखिर वो तेरा बड़ा भाई है। जा, बचा ले उसे। मैं कहती हूँ जा मुन्ना। Nein!
ये उदय का भाई है, इसे भी मौत के घाट उतार दो। बचाया उसे, देख रहा है मेरी हालत? उसने अपनी बीवी की जान लेने की कोशिश की, वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो तेरा क्या होगा? जा मार दे उसे। मेरे पास ना मेरी कुर्सी बची है ना मेरी जायदाद बची है। अगर कुछ बचा है तो वो है पिताजी की नसीहत। मैंने बहुत पाप किया है मुन्ना, अब मैं जीना नहीं चाहता, इसलिए मुझे मार दे। आपका खून बहाने से भी आपके पाप धुलने वाले नहीं है भैया। अगर माफी मांगनी है तो अपनी मां से मांगिए माफी। मां मुझे माफ कर दे। मां उदय बेटा, आज इतने सालों बाद तुमने मुझे माँ कहा है, तेरे सारे पाप धुल गए बेटा। भैया मेरा एक सीन है, माँ को मना लेना ताकि वो मुझे ज्यादा डांटे नहीं। अरे मैं हूँ ना, मैं जब शहर में था ना तो वहाँ पर एक लड़की से मेरा टारा मिल गया। टाइम पास करता है तू? अरे रे टाइम पास वाला नहीं, इश्क वाला लव करता हूँ, और वो तभी शादी करेगी जब माँ बहन भाई सब जाकर उसका हाथ मांगेंगे। अच्छा बच्चू, अपनी माँ से छुपा रहे हो, हमसे छुप कर प्यार भी कर लिया? हाँ चलो इसकी शादी कर देते हैं। चलो, चलो। ये लो, ये तुम्हारी भाभी की अमानत है, अपने भाई से कहो उसे मंगलसूत्र पहनाए और मेरी बेटी को भी साथ ले जाओ। अच्छा तो ये लो।